हाई एवरी वन गुड आफ्टरनून वेलकम टू एन अकेडमी कैसे है सब बच्चे यस हाई बच्चो हाई हा आर यू कैसे है सब बच्चे आम आई ऑडिबल एम आई वेरी मच क्लियर आवाज आ रही है सुनाई दे रहा है सबको ओके गुड आफ्टरनून हाउ आर यू चले बहुत बढ़िया गुड टू सी यू ऑल एंड आज की क्लास बेटा लेक्चर टू होगा ऑर्गेनिजम एंड और पॉपुलेशन का मैं आपको आज के गोल्स बता दूं आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में करेंगे और आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में करेंगे जो कि बच्चा ना रट्टा मारता है जिस टॉपिक को जिसको वो समझता नहीं है और जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन गलत होते हैं और पास्ट ईयर में अब आसान क्वेश्चन नहीं अब थोड़ा सा टिपिकलिटी यहीं पर बनती है इकोलॉजी में और कहीं इतना टिपिकल है ही नहीं बाकी तो बहुत जनरल है तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको ग्रोथ कर्व समझाने वाली हूँ बहुत डिटेल में ठीक है तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे और एंड तक देखेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो दूसरी चीज

से पहले और शाम को बेटा खाना खाने के बाद हम मिलते हैं उस क्लास में ठीक है जी कल हम इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा करेंगे दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार चार नंबर का क्वेश्चन आज की क्लास से आएगा चार नंबर का क्वेश्चन कल की क्लास से आएगा इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ क्लब नहीं किया बिकॉज आई वांट कि आपका एक एक नंबर सिक्योर हो पाए यहां पर जल्दी भागना वन शॉर्ट करना उससे अभी कोई फायदा नहीं होगा वो बेटा टाइम आएगा जब एक्चुअली में चालीस दिन बचे होंगे तब बेटा थर्टी चैप्टर्स का वन शॉर्ट किया जाता है अभी हम आसानी से इसको एक बार फिर डिटेल में करते हुए एक एक लाइन एनसीआर की समझते हो यहां से कर सकते हैं हम ठीक है जी तो यार बता दो फटाफट फड़ से कल वाली क्लास किसने रिवाइज करी क्योंकि मेरी क्लास का एक पेट होमवर्क रहता है वैसे तो हम क्लास में एनसीईआरटी लर्न करके जाते हैं बट फिर भी आपको आदत डालनी है उस बुक को रीड करने की अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ने से हो जाएगा सिर्फ नोट्स पढ़ने से हो जाएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे बायोलॉजी ऐसे नहीं होती है आपको बेटा पूरा फोकस पूरा फोकस कोचिंग के अलावा अपनी एनसीआरटी पढ़ने पर भी लगाना आदत डालो नहीं है तो बनाओ एक बारी पढ़ते हो तो दो बारी पढ़ो दो बारी पढ़ते हो तो चार बारी पढ़ो जितनी बारी पढ़ोगे उतनी बारी नई चीजें निकल के आएंगे और क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो एनसीईआरटी से ठीक है कितने बच्चों ने कल वाला होमवर्क किया जरा मुझे बता दीजिए फटाफट से पोल में बता दो फटाफट से पोल में हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड होमवर्क यस कितने बच्चों ने होमवर्क किया वेरी गुड वेरी गुड देखिए जो बच्चा नोट्स और एनसीईआरटी दोनों रिवाइज करेगा वही आगे निकलेगा बाकी बच्चों का मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूं बिना एनसीईआरटी पढ़े आप कहीं से पढ़ के आ जाओ कहीं से कितने बड़ी जगह से पढ़ के आ जाओ कितना भी पढ़ के आ जाओ कितनी बड़ी किताब से पढ़ के आ जाओ बिना एनसीईआरटी के तुम लोग नीट क्रैक नहीं कर सकते हो ये याद रखना और इस सिचुएशन में जब हमारे पास सिर्फ तीन महीने बचे तब तो बेटा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आपको एनसीआरटी को फोकस करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो बात नहीं बनेगी सिर्फ 81 वन परसेंट ने किया बाकी के 20 परसेंट को क्या नहीं करना है बाकी के 20 परसेंट किया सिर्फ फॉर्म भरेंगे उनको सिलेक्शन नहीं चाहिए सिलेक्शन चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं एन्जॉय करो एंजॉय करो बहुत टाइम है पूरा इन्जॉय किया करो यार जिंदगी में ठीक है नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं चलेगा चलेगा बेटा अगर आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए ठीक है चाहिए तो बेटा जिसको चाहिए वो पढ़ेगा जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं वो रिलैक्स करेगा रिलैक्स दैट पर्सन विल मेक श्योर कि यार उसका एक भी दिन पढ़ाई में ना निकल जाए है ना एक भी दिन पढ़ाई में मत निकालना ओके okay? चलिए कल वाला लेक्चर कल वाला लेक्चर क्या सबको समझ आ गया है क्या सबको समझ आ गया है देखिए आज मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक बार पहले भी यूट्यूब पे कराया हुआ मेरे लिंक ट्री पर वो सेशंस अवेलेबल है बट मैं आपको बता रही हूँ ये सेशन आप फिर भी अटेंड करें अगर आपने पहले भी किया हो बिकॉज नाउ द माय वे हैज चेंज्ड ठीक है अब मैंने इसको पूरा एनसीआर बेस्ड और पीवाई क्यूज बेस्ड कर दिया है तो ये आपको और रिफाइंड लेक्चर्स लगेंगे और रिफाइंड वे लगेगा पढ़ाने का तो आई वुड से आपने चाहे पहले पढ़ा हुआ है आप दोबारा पढ़े और एक बार इसके दोबारा नोट्स भी बनाए बिकॉज नोटो गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन या फिर उसी में आप एड करें ठीक है उसी में एड करें तो शुरू करें बेटा शुरू करें येस सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आई होप यू हैव एनरोल्ड इन द स्पेशल क्लास सब बच्चे एनरोल कर चुके हैं तो आज का बेटा शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कहाँ से शुरू करेंगे बेटा आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से शुरू करेंगे आ जाओ सब बच्चे जिसको सिलेक्शन चाहिए वो आ जाइए क्योंकि मैं जानती हूँ जो बच्चा मेहनत करेगा जो बच्चा हर क्लास लगाएगा और जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज द की होता क्या है कि तुम्हें तुम्हारे अंदर पहले दिन बहुत जोश होता है कि यार अरे बोले आज तो लेक्चर शुरू हो रहा है आज तो यूनिट शुरू हो रहा है आज तो फोड़ देंगे आज तो ये कर देंगे आज तो वो कर देंगे बट लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू अगर ये यही आग यही तुम्हारे अंदर ये जो जुनून है ये आखिरी दिन तक नहीं रहा ना तो बेटा कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे कितनी महंगी कोचिंग में चले जाओ दो लाख रुपए भर दो, दो हजार भर दो बीस हजार भर दो या फ्री में भी भर लो ना अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल अचीव नहीं कर सकते यू हैव टू शो अप आपको आना पड़ेगा अगर आप नहीं आएंगे तो यार आपको क्या पता कल के लेक्चर में से क्वेश्चन आना था आज में से नहीं आ सकता कल वाले में से नहीं आ सकता आज से पांच दिन वाले में से नहीं आ सकता हर जगह से लेक्चर आ सकता है तो ईच एंड एवरी लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको मेक श्योर sure करना है कि आप हर क्लास लगाए और लाइव रिकॉर्डेड सेशन ठीक है कई बार ठीक भी लगता है बट रिकॉर्डेड में बेटा वो ना ध्यान टूटने का बहुत ज्यादा चांस रहता है क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते यहां पे तो मैं लाइव हूं तो यार आपको पता मैम बैठी है हमें जब तक बैठे हैं जब तक मैम पढ़ा रही है लेकिन रिकॉर्डेड में जब मन चाह बंद किया जब मन चाह इसको टू एक्स पे देखा जब मन चाह स्किप कर दिया जब मन चाह कुछ भी कर दिया है ना वो एक कंट्रोल नहीं रहता है तो अगर तुम ऑनलाइन से पढ़ाई करना चाहते हो तो लाइव लेक्चर्स में ही टाइम लगाओ लाइव लेक्चर्स में ही मनी लगाओ हर चीज आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लाइव लाइव में में ही ही करना है 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 क्योंकि में ही असली बात है यार नहीं तो टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया है ना बच्चों नहीं तो टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया अगर रिकॉर्डेड ही देखने हैं तो रिकॉर्डेड तो सीडी भी आती थी मजा थोड़ा आता देखने में लाइव मैच देखने का जो मजा है वो रिकॉर्डेड का मजा नहीं है तो आपको लाइव लेक्चर्स लगाने चाहिए डेली अपनी क्लास का टाइम सेम है साढ़े बारह बजे शाम को पांच बजे तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम ही नहीं है स्कूल वूल जाते हो तो शाम को देख लो लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो यार आपको ये क्लास लाइव ही अटेंड करनी चाहिए और बायो में तो मैंने तुम्हें बोला यार दो घंटे की क्लास डेढ़ में तुम रिलेस्ड हो क्योंकि बस तुम्हें एक ही क्लास देखने इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है क्योंकि मैं तो अपनी क्लास का क्लास में ही लर्न करा के भेजूंगी ओके चलिए शुरू करते हैं बेटा जी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूटे तो एक पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हम कुछ चीजों का सहारा लेते हैं देखिए एक ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम ये नहीं कर सकते हमें ये चीजें पॉपुलेशन में ही स्टडी करनी पड़ेंगी अब वो कौन सी चीजें हैं बर्थ रेट डेथ रेट सेक्स रेशो

फॉर एग्जाम्पल 2022 में एक पॉन्ड के अंदर मेरे पास 20 लोटस फ्लावर्स हैं, ठीक है मेरे पास 20 लोटस कमल के फूल प्रेजेंट हैं। फिर मैंने इसको एक साल बाद देखा कब देखा 2023 में देखा तो मैंने देखा कि अब मेरे पास कितने लोटस फ्लावर्स हो चुके हैं 28 लोटस प्लांट्स हो चुके हैं फिर उन्होंने पूछा कि भैया इसका बर्थ रेट निकालो कितना आया इसका बर्थ रेट कि यार एक साल पहले मेरे पास 20 थे अब मेरे पास कितने हो चुके हैं 28 हो चुके हैं तो बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना चेंज हुआ उसको आप न्यूमिनेटर में रखेंगे अपॉन इनिशियल रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी करेक्ट आंसर आ जाएगा तो बर्थ रेट क्या होता है जितना चेंज आया चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन पहले कितना था इनिशियल फाइनल कितना है बेटा 2023 में कितना हो गए लोटस पॉन्ट्स आपके 28 हुए पहले कितने थे 20 थे इनिशियली कितने थे 20 थे यानी कि 8 अपॉन ट्वेंटी यानी 20 इसको करोगे लोटस फ्लावर्स पर ईयर आपके ऐड हुए अब तुम मैं में कैसे अगर तुम 100 के हिसाब से देखोगे हजार के हिसाब से देखोगे तो ये पॉइंट एट नहीं होगा पॉइंट फोर नहीं होगा ये 40 हो जाएगा ये चार हो जाएगा ठीक है जी राइट right. तो बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल ठीक है याद हो गया याद हो गया इस तरीके से आपको कोई भी एग्जाम्पल दी जा सकती है टू कैलकुलेट द बर्थ रेट यानी कि कितना चेंज आया है अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन आपकी कितनी थी ठीक है जी चलिए नेक्स्ट जो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट हम करने वाले हैं सेकेंड एट्रीब्यूट दैट इज गोइंग टू बी डेथ रेट दैट इज गोइंग टू बी डेथ रेट डेथ रेट का भी दूसरा नाम है दैट इज मोर्टालिटी रेट डेथ रेट का दूसरा नाम क्या है मोर्टालिटी रेट Rate क्या होता है? जैसे वो था नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड इंडिविजुअल एक हजार लोगों पर कितने लोग मरे पर ईयर उस साल में उसको हम बोल देंगे डेथ रेट ठीक है अगेन टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एनसीआरटी एनसीआरटी की अगर मैं एग्जांपल लूं तो यार वो कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में पहले थे 40 बंदे कितने थे 40 बंदे ठीक है पहले 40 लोग थे फिर हमने कुछ समय बाद उसको देखा एक साल बाद देखा तो कितने लोग रह गए 36 लोग रह गए यानी कि चार लोग निकल लिए है ना पहले 40 थे एक साल बाद हमने क्या देखा यहां पर 36 हो चुके हैं सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डेथ रेट डेथ रेट का फार्मूला क्या रहेगा डेथ रेट का फॉर्मूला रहेगा कि पहले कितने थे यानी कि अपॉन 40, 40 आंसर आ जाएगा पॉइंट वन डेथ हुई फ्रूट फ्लाई की पर वीक जो भी उन्होंने दिया हो पर ईयर दिया हो पर वीक दिया हो ये बेटा फ्रूट फ्लाई का आपका डेटा दिया हुआ है पर वीक का ठीक है डिफरेंस क्या है बर्थ रेट और डेथ रेट के फॉर्मूला में ध्यान देना बर्थ रेट के फॉर्मूला में क्या है फाइनल माइनस इनिशियल कि नए लोग कितने आए डेथ रेट का फॉर्मूला है इनिशियल माइनस फाइनल पहले कितने थे और अब कितने रह गए ये अंतर है याद इसको ऐसे हमेशा कॉमन नहीं बना देना कि इनिशियल माइनस फाइनल नो डेथ रेट वाले में इनिशियल माइनस फाइनल है और इस वाले में फाइनल माइनस इनिशियल है क्या ये बात सबको समझ आई डिफरेंस इन फॉर्मूला सबको समझ आया डिफरेंस इन फॉर्मूला सबको समझ आ गया बताओ जरा फटाफट से डिफरेंस इन फॉर्मूला बर्थ रेट और डेथ रेट फॉर्मूला लगता एक है एक जैसा है बट एक जैसा है नहीं बर्थ रेट में आपको क्या करना है आपको क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल और डेथ रेट में पहले कितने थे मतलब ज्यादा में से कम माइनस करना है बेसिकली ठीक है बर्थ रेट में ज्यादा बाद में हो गए और डेथ रेट में ज्यादा पहले थे तो ज्यादा में से कम माइनस करना है ठीक है ज्यादा में से कम माइनस करना है ओके चलिए नेक्स्ट चीज आती है आपकी नेक्स्ट चीज विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट दैट इज सेक्स रेशो सेक्स रेशो तुमको पता है क्या होता है नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स ठीक है एक हजार मेल पर कितनी फीमेल्स हैं वो होती है सेक्स रेशो इंडिया की तो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई सेक्स रेशो थी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है जैसे जैसे फीमेल फिटिसाइड का कम होता जा रहा है नेक्स्ट चीज नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एज पिरामिड एज पिरामिड ये क्या है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि तुम एक ग्राफ बना दो एक पॉपुलेशन का उस ग्राफ में दिखा दो कि किस एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं यानी कि एज पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये क्या है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका किसका टू डिपिक्ट टू डिपिक्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन विध रिस्पेक्ट टू एज एज के हिसाब से तुम बना दो छोटे छोटे गोवर्स बना दो की जीरो से दस साल की उम्र में इतने दस से बीस की उम्र में इतने बीस से चालीस की उम्र में इतने चालीस से पचास इस तरीके से जस्ट एन एग्जाम्पल टू डिपेक्ट पॉपुलेशन टू डिपेक्ट पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एज के हिसाब से तो अपने ने क्या किया कि पूरे सब लोगों को तीन एज ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी मैं कितने एज ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी तीन एज ग्रुप में तो पहले आ जाएगा अपने पास प्री रिप्रोडक्टिव पहले क्या आ जाएगा एज ग्रुप प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि वो लोग जो भी चुभि नाइल है जिनका बचपन चल रहा है जिनकी प्यूबर्टी अभी नहीं आई है वो आ जाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव में देन आ जाएंगे अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि जो जवान हो चुके हैं जिनकी प्यूबर्टी आ चुकी है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो हो जाएंगे आपके रिप्रोडक्टिव वाले देन आ जाएंगे तुम्हारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं जो बूढ़े हो चुके हैं या हो रहे हैं तो प्री रिप्रोडक्टिव में आपके आ जाएंगे जुविनाइल वाले लोग बच्चे जिनकी प्यूबर्टी नहीं आई है तुम्हारी तो आ गई है बच्चे यानी कि 12, 11 साल से छोटे बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्टिव में वो आएंगे जिनको प्यूबर्टी हिट कर चुकी है यानी कि वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं है ना जिनकी प्यबी आ चुकी है यानी कि तेरह साल पंद्रह साल से बाद वाले लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो हैं जिनकी एजिंग हो चुकी है एजिंग यानी कि अब वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं ये एजड पीपल हैं ठीक है ठीके? तो अपने ने क्या किया पूरे पॉपुलेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया बचपन जवानी और बुढ़ापा और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके की पॉपुलेशन किस कंट्री में है और उसका एज पिरामिड बनाएंगे चलिए बना ले एज पिरामिड बना ले एज पिरामिड लेट मी ड्रॉ द एज पिरामिड ठीक है एज पिरामिड फर्स्ट टाइप ऑफ एज पिरामिड देखो इसमें क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव लोग सबसे ज्यादा हैं प्री रिप्रोडक्टिव ये हैं ये सबसे ज्यादा हैं देन बेटा अपने आए रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव वाले और उससे कम है अपने पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले समझ रहे हो समझ रहे हो मैंने कलर क्या दिया है ये है प्री रिप्रोडक्टिव ये है रिप्रोडक्टिव और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब बचपन वाले लोग बच्चे सबसे ज्यादा हैं इस पॉपुलेशन में देन जवान लोग हैं एंड देन सबसे बूढ़े लोग हैं मतलब तुम इस पॉपुलेशन का फ्यूचर देखो फ्यूचर देखो फ्यूचर देखोगे तुम्हें पता चलेगा यार इतने ज्यादा बच्चे हैं आज से दस साल बाद पांच साल बाद यही बच्चे जवान होंगे तो मतलब ये इतने सारे बच्चे जब जवान होंगे तो पॉपुलेशन कहाँ शूट अप कर जाएगी यानी कि ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने बन रहा है कैसी शेप का ग्राफ बन रहा है ट्रायंगुलर ग्राफ बन रहा है पहली चीज बेटा कैसा ग्राफ बन रहा है ये ट्रायंगुलर ग्राफ बन रहा है शेप इज ट्रायंगुलर यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि बचपन वाले मैक्सिमम है बच्चे सबसे ज्यादा हैं कौन ज्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग सबसे मैक्सिमम है कल को बेटा यही जवान होंगे और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी देखो इतने सारे लोगों के बच्चे होंगे बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाएगी यानी कि ये जो पॉपुलेशन है ये कैसी पॉपुलेशन है एक्सपैंडिंग है या फिर डिक्लाइनिंग है तुम बोलोगे भैया ये पॉपुलेशन कैसी है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है क्लासिक एग्जाम्पल इंडिया क्लासिक एग्जाम्पल बेटा कौन सा है आपका इंडिया इंडिया में भी इंडिया का यूथ बेटा सबसे ज्यादा अमाउंट में है सबसे ज्यादा बच्चे हैं आप जैसे लोग आप जैसे लोगों की पॉपुलेशन टीन सबसे ज्यादा है हमारे पास तो फ्यूचर जो इंडिया का है वो पॉपुलेशन वाइज इतना मतलब इसको ब्राइट बोलेंगे या क्या बोलेंगे पॉपुलेशन तो हमारी बहुत ज्यादा और बढ़ने वाली है बट वैसे यूथ ज्यादा होता है तो कंट्री की ग्रोथ भी उतनी ज्यादा होती है इकोनमी भी उतनी ज्यादा होती है तो यार ये कैसा ग्राफ हो गया आपका ट्राइंगुलर पिरामिड बन गया शेप इज ट्राइंगुलर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है ठीक है तो अपन इंडिया वाले एक्सपैंडिंग वाले नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ग्राफ कहता है कि भैया जितने अपने पास बच्चे हैं जितने अपने प्री रिप्रोडक्टिव हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतने ही अपने पास रिप्रोडक्टिव है ऑलमोस्ट उतना ही अपने पास क्या है ऑलमोस्ट बता रहे ऑलमोस्ट उतना ही अपने पास क्या है रिप्रोडक्टिव है और बूढ़े थोड़े कम है बूढ़े क्या है अपने पास कम है इस तरीके का ग्राफ है देख रहे हो यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है अपने पास जितने प्री रिप्रोडक्टिव है ये कौन सी भाषा आ गई प्री रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव Almost बोल रही बेटा, equal reproductive. ये जो ग्राफ दिख रहा है, तुम्हें कैसी शेप का दिख रहा है कैसी शेप का दिख रहा है? ये तो मुझे पता yes. है ये कैसी शेप है? Bell शेप है मतलब आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आज से दस साल बाद भी उतने ही लोग रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होंगे मतलब कुछ बढ़त नहीं हुई जितना पहले था उतना ही आने वाले दस साल में होने वाला है यानी कि ये जो पॉपुलेशन है ये कैसी पॉपुलेशन है 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 या फिर स्टेबल स्टेबल तुम बोलोगे ये जो है, ये जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन कैसी है स्टेबल पॉपुलेशन जैसे कि यूएस कैनेडा ये सब अपनी डेवलप्ड नेशन है वहां पर जितने लोग आज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आज से दस साल बाद भी उतने ही करेंगे तो वो क्या है अपनी स्टेबल पॉपुलेशन है ठीक है बेटा जी अभिषेक कोमल यादव यार ये कैसा नाम रख दिया तुमने टीचर के नाम पे नाम रख दिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग है मेरे टेलीग्राम, पे, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आप सी पाउजा बैरिजी डालिए एक लाख तीस हजार से ऊपर बच्चे हैं उसमें उसको ज्वाइन कर लो एल वन एल टू करके सारी पी आपको वहां मिल जाती है ठीक है ओके ओके सो फ्री न्यूक्लियर एंडोस का टाइम था बेटा वो तुमने पहचाना नहीं आज आज ग्लास डिफरेंट हो गया ना तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस पहचान नहीं रहे हो तुम देख रही हूं मैं यस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए यस नेक्स्ट देखिए ओके सो यहां पर क्या हो रहा है कि बच्चे कम हैं और बूढ़े भी कम हैं, ठीक है बीच के जो रिप्रोडक्टिव लोग हैं वो ज्यादा है यानी कि ये जो ग्राफ है वो नीचे से भी पतला है ऊपर से भी पतला है ऐसी चीज जो नीचे से भी पतली होती है और ऊपर से भी पतली होती है देख रहे हो ये क्या है घड़ा उल्टा घड़ा अगर तुम घड़ा देखोगे घड़े का मुंह भी छोटा होता है और घड़े का बेस भी छोटा होता है बीच में से बड़ा होता है यानी कि सबसे पहले तो इसकी शेप लिख लेते हैं इसकी शेप हो जाएगी अर्न शेप इसकी शेप कैसी हो जाएगी अर्न शेप अर्न शेप होता है उल्टा घड़ा नेक्स्ट चीज आती है कि भैया इस पॉपुलेशन का फ्यूचर क्या है कि आने वाले जो बच्चे जिन्होंने यूथ बनना है जवान होना है वो तो कम है ना आज के समय यूथ ज्यादा है लेकिन आने वाले दस साल में यूथ कम हो जाएगा यानी कि ये जो पॉपुलेशन है वो नीचे की तरफ जा रही है ये कैसी पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ये कैसी पॉपुलेशन है बच्चों ये कैसी पॉपुलेशन है इसको यहां पर लिख देती हूँ डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन है और आज के समय बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन हो गया स्कैंडवियन कंट्रीज हो गई जिनकी पॉपुलेशन नेगेटिव की तरफ जा रही है आने वाले समय में उनकी पॉपुलेशन और घटने वाली है तो यार ये जो एज पिरामिड्स हैं इनको आपको पहचानना आना चाहिए मैं आपको इनको एनसीआरटी में से भी दिखा देती हूँ यू शुड नो कि ये कैसे दिखते हैं आपको बेटा इनकी दिखना आना चाहिए ये देख लो कहा गया ये रहे कैन यू सी कैन यू सी आपको ये ग्राफ बना हुआ आ सकता है पहले वाला देखिए एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन ट्राइंगुलर दूसरे वाला देखिए स्टेबल पॉपुलेशन दैट इज बेल शेप पिरामिड तीसरे वाला देखिए ऊपर भी छोटा है नीचे भी छोटा है यानी कि यह क्या है एक तरीके से घड़ा है अर्न शेप दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इंडिया किसमें आती है एक्सपैंडिंग यूएस किसमें आता है स्टेबल नेवियन कंट्रीज किसमें आती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ठीक है यह एक तरीका होता है पॉपुलेशन को डिपेक्ट करने का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है क्लियर है बच्चों पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है ओके अब आता है कि मुझे पांचवा तरीका पांचवा तरीका पॉपुलेशन को डिपेक्ट करने का दैट इज गोइंग टू बी पॉपुलेशन डेंसिटी फिफ्थ वे इज पॉपुलेशन डेंसिटी चार वे कर ली है बेटा कौन कौन से करें बर्थ रेट किया है डेथ रेट किया रेशो किया है और एज पिरामिड किया चार हो गए अब हम कर रहे हैं पांचवा वे पॉपुलेशन डेंसिटी कि तुम्हें मैं एक टास्क दे दूं कि इस जगह पर कितने लोग हैं उनकी डेंसिटी निकाल निकाल के ला, निकाल के लाओ लाओ उनका नंबर सो दैट इज गोइंग टू बी पॉपुलेशन डेंसिटी बड़े सारे तरीकों से कैलकुलेट करी जाती है तरीका नंबर वन तरीका नंबर वन है कि भैया तुम्हें पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालनी है ना कि कितनी घनी है ये पॉपुलेशन तो तुम काउंट कर लो टोटल नंबर काउंट कर लो टोटल नंबर काउंट कर लो जैसे मेरी क्लास में अभी मेरे सामने बच्चे बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में सौ बच्चे हैं तो मैं एक एक करके काउंट कर सकती हूँ कि भैया ये सियाली है ये तनु है ये सुमन है ये सिनी है ये विश्वांशु है मैं ऐसे बेटा उंगलियों पे काउंट कर सकती हूँ यानी कि एक सिंपल सा तरीका है पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालने का कि भैया काउंट कर लो काउंट कर लो कई बार काउंटिंग बहुत कम आती है जैसे साइबेरियन क्रेन दस ही है लेस देन टेन है उस एरिया में तो बड़ा आसान है काउंट करना लेकिन कई बारी बेटा काउंटिंग मिलियंस में भी जा सकती है जैसे एक पौंड में तुमको क्लेमाइडो मोनास काउंट करने को बोला जाए तो यार वो तो मिलियन ऑफ नंबर आ जाएगा उसका तो यार एक तरीका तो है अपने पास अगर लिमिटेड नंबर है सौ है दो सौ है हजार है यहां तक हम आसानी से टोटल नंबर की हेल्प से पॉपुलेशन की डेंसिटी निकाल सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है अगर हम ये कर पाए तो यार ये सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम काउंट कर लो लेकिन हर जगह ये तरीका काम नहीं करता हर जगह ये तरीका काम नहीं करता जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दू बेटा इस एग्जाम्पल से बताना कि एक बरगद का पेड़ है ये देखिए ये एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ होता है बेटा बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है इस बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ पार्थीनियम ग्रास लगी हुई है पार्थीनियम ग्रास लगी हुई है और पता है कितना पार्थीनियम है दो सौ ग्रास है दो सौ ग्रास लगी हुई है तो एक फील्ड है एक फील्ड में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उसके नीचे 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 दो सौ ग्रास लगी हुई है आप क्या बोलेंगे किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है चलिए आंसर दीजिए किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है बच्चों हां जी आंसर दीजिए एक बरगद का पेड़ है और 200 ग्रास है उसकी उसी के नीचे है उस एरिया एक ही एरिया की बात हो रही है एक ही एरिया की बात हो रही है बेटा सब बच्चों का आंसर देना है सब बच्चों को आंसर देना है पोल में पूछते हूं मैं यस प्लीज टेल मी इन द पोल पोल में बताइए किसका पॉपुलेशन ज्यादा है अच्छा वाह 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 बहुत बढ़िया 84 परसेंट सेवेंटी परसेंट बच्चे कह रहे हैं कि ग्रास का पॉपुलेशन ज्यादा है बाकी के अपने जो 25 परसेंट है वो कह रहे हैं कि बरगद का पेड़ का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है भैया बरगद का पेड़ कितना बड़ा है ग्रास कितनी छोटी है यहाँ पर अगर हम नंबर के हिसाब से चलेंगे तो यार जस्टिफिकेशन नहीं है कि तुम काउंटिंग के हिसाब से नहीं कर सकते कि एक बरगद का पेड़ और दो सौ ग्रास है काउंटिंग के हिसाब से ना गलत जस्टिफिकेशन आ जाएगी गलत हमारे पास डेंसिटी का यू नो आंसर आ जाएगा तो यहां पर टोटल नंबर से बात नहीं बनेगी यहां पर अपने को बायोमास कवर पे जाना है यहाँ पर अपने सेकंड मेथड लेंगे दैट इज बायोमास कवर तो यार बरगद के पेड़ का बायोमास कितना ज्यादा है एस कंपेयर टू वो 200 ग्रास 200 क्या तुम 2000 हजार दो, दो लाख ग्रास भी बना मिला दोगे तो भी एक बरगद के पेड़ के हिसाब की बराबर का डेंसिटी नहीं आ पाएगा तो यहां पर द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर वॉज बरगद के पेड़ का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि नंबर के हिसाब से यहां बात नहीं करी जाएगी यहां बायोमास के हिसाब से बात करी जाएगी ठीक है जी तो ये हो गया अपना सेकेंड वे ये हो गया अपना सेकेंड वे तीसरा वे तीसरा वे कहता है कि भैया एक बहुत बड़ा तालाब है इमेजिन करो इमेजिन करो बेटा एक बहुत बड़ा तालाब है ठीक है ये इतना बड़ा तालाब है इस तालाब में बहुत मछली है बहुत सारी मछली है इसके लिए तुम कौन सा तरीका निकालोगे बहुत मछली है मेनी 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 अ बिग 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 पॉन्ड पॉन्ड क्या मैं पॉन्ड की जगह ना समुंदर कह देती हूँ ये एक समुंदर है बहुत बड़ा इसमें बहुत सारी मछली है इसकी मछ मच, इस मछली की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालोगे क्या आप काउंटिंग करके निकाल सकते हो कि भैया अंदर जाएंगे फिर एक मछली काउंट करी उस पर मार्का लगाया वन दूसरी आई चल इस इसपे भी टैग लगाया टू थ्री ऐसे कर सकते हो ऐसे नहीं करा जा सकता फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है ठीक है बायोमास निकाल सकते हो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है है यहां पर क्या है? कि यार इतना बड़ा समुद्र है एक एक मछली को काउंट करना तो मुश्किल है तो मैं ना एक एरिया एरिया ले लेती हूं, उस एरिया में जाल फेंकती हूं। अगर मैं उस एरिया में जाल फेंकूंगी जितनी मछली आ जाएगी उस हिसाब से मैं अंदाजा लगा लूंगी कि अगर इतने एरिया में दस मछली है तो इतने बड़े समुद्र में कितनी मछली होगी यानी कि एप्सल्यूट वैल्यू लेने की जगह मैं रिलेटिव वैल्यू ले लूंगी है ना अंदाजा लगा लूंगी कि इतने एरिया में अगर इतना है तो पूरे समुद्र में कितना होगा दैट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी इसको अपने लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्योंकि जब नंबर बहुत ज्यादा होता है ना तो आप एक-एक करके काउंट नहीं कर सकते आपको रिलेटिव वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी अनादर एग्जांपल कि एक एक जगह है एक बहुत बड़ा कल्चर है कल्चर में आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालने भैया इतना बड़ा कल्चर में इतने सारे बैक्टीरिया काउंट करने इम्पॉसिबल है तो तुम क्या लेते हो कोई एक एरिया ले लेते हो उस एरिया में काउंट करके बाकी का अंदाजा लगा लोगे बाकी में रिलेटिवली आंसर दे दोगे ठीक है जी तो ये तीसरा मेथड हो गया चौथा अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है कि तुम गए जिम कॉर्बेट आप में से कितने बच्चों ने सफारी करी हुई है या नेशनल पार्क देखा हुआ है जरा मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सीन अ नेशनल पार्क आपने कभी अपनी लाइफ में जिम कॉर्बेट है या कोई और नेशनल पार्क है जो आपने देखा हुआ है बताइए यस yes. यस yes, बेटा बताइए अच्छा एट्टी एट परसेंट ने कोई ना कोई नेशनल पार्क देखा हो तो भैया शेर दिखा था कभी है टाइगर दिखा था कभी बताओ टाइगर चीता ये सब दिखे थे कभी ये ना बड़े किस्मत वालों को दिखते मैं भी गई थी बेटा जिम कॉर्बेट मुझे नहीं दिखा था मेरी तो किस्मत ऐसी है मेरी आगे वाली जीप को दिख गया था बट मुझे नहीं दिखा था ठीक है मुझे नहीं दिखा तो अब क्या कर सकते हैं तो यार अब मान लो तुम्हें बना दिया जाता है फॉरेस्ट ऑफिशियल वहाँ का क्या बना दिया जाता है तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई तुम्हें बना दिया जिम कॉर्बेट का और बन गए तुम फिर तुम्हारे पास पास ऊपर से टास्क आया श्वेता श्वेता सिंह आपके है आपको काउंट करना है कि आपके जिम कॉर्बेट में कितने टाइगर हैं तो क्या करेगी बेटा श्वेता क्या श्वेता जीप में बैठ ढूंढने जाएगी टाइगर को और टाइगर नंबर वन और टाइगर हाय मैम काउंट कर रहे हो ठीक है मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा मैं बैठा हूं आराम से फिर श्वेता उसे बाय करके फिर जाएगी अपनी जीप उठा के पूरे जिम कॉर्बेट का भ्रमण करते हुए टाइगर नंबर टू दूसरा टाइगर भी उसे हाई बोलेगा हाय बोल के कहेगा मैम मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा आप मुझे काउंट कर लो इज इट पॉसिबल क्या टाइगर इतना दयावान है कि वो श्वेता को कोई नुकसान ना पहुंचाए है क्या टाइगर इतना दयावान है टाइगर इतना दयावान नहीं है टाइगर को क्या पड़ी है कि मुझे काउंट करेंगे कुछ फायदा होगा मुझे ही बचा रहे नहीं बेटा टाइगर श्वेता को जिंदा नहीं छोड़ेगा तो श्वेता इस टास्क को कैसे पूरे करेगी कैसे पूरे करेगी एक एक टाइगर को तो जाकर नहीं खोज सकती है तो श्वेता लगाएगी अपना दिमाग दिमाग यार एक मूवी आई थी शेरनी अगर आपने देखी हो विद्या बालन की मूवी थी उसमें उसने दिखाया था कि हर टाइगर की जो पॉटी होती है यानी कि जो फीकल मैटर होता है वो डिफरेंट होता है अगर टाइगर एक जगह से जाएगा तो कहीं तो पॉटी करेगा कहीं तो फीसिस छोड़ेगा या कहीं तो अपने पग मार्क्स छोड़ेगा तो श्वेता दिमाग लगाएगी कि भैया मैं टाइगर के पास नहीं जाऊंगी जहां जहां से टाइगर गुजरा है मैं उसकी फीकल पैलेट को कलेक्ट करूंगी और उसे एनालाइज करूंगी ठीक है जितने तरीके की हमें पॉटी मिलेगी यानी कि जितने तरीके का फीकल पैलेट मिलेगा उतने तरीके के टाइगर सिंपल सी बात है या फिर जितने तरीके के पग मार्क्स मिलेंगे उतने तरीके के अपने पास टाइगर हैं तो मतलब चौथा मेथड है कि एक्चुअल काउंट करने की जगह आप फीकल पैलेट्स को काउंट करिए ठीक है उनको चेक करिए या फिर उनके पग मार्क्स देखिए उन पग मार्क्स से आप अंदाजा लगा लोगे कि इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितने टाइगर प्रेजेंट हैं ओके जी तो यार ये चार तरीके हो गए हम चाहते तो हैं कि यार टोटल नंबर काउंट करें बट हर जगह पॉसिबल नहीं है जहां पर बायोमास में ज्यादा डिफरेंस होता है तो हम बायोमास देख लेते हैं जहां पर नंबर ही इतना मिलियंस में है तो हम रिलेटिव डेंसिटी देख लेते हैं और जहां पर उसके पास जाना खतरनाक है तो यार उसके फीकल पैलेट से काम चला लेंगे काम चलाना यार श्वेता को उसमें थोड़ा जाना है अब बीच में श्वेता जा रही है श्वेता के पीछे क्या कहते हैं रजनीश राज कह रहे हैं कि नहीं मैम मैं मदद करूंगा उसकी मैं भी साथ जाऊंगा टाइगर कुछ नहीं कहेगा नहीं बेटा हीरो नहीं बनना है यहाँ पर हीरो गिरी नहीं चलेगी ये तो कोई ऐड भी थी हीरोगिरी नहीं चले ओहो हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है है ना वो बोला ओके तो हीरोगिरी बेटा यहाँ पर नहीं चल सकती है टाइगर किसी को बख्शते नहीं है लाइन किसी को बख्शते नहीं है तो इसीलिए आसान तरीका है कि उनके निकाले गए निकाले गए फीसेस को ही तुम काउंट कर लो उनको काउंट करने की जगह ठीक है बच्चों ओके 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 तो ये सारे इनडायरेक्ट मेथड है ये अपना डायरेक्ट मेथड है बाकी अपने क्या है इनडायरेक्ट मेथड है इन तरीकों से हम पॉपुलेशन की डेंसिटी निकाल सकते हैं तो अब तक बेटा हमने क्या किया? अब तक हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट किए कौन कौन से एट्रीब्यूट थे बर्थ रेट किया डेथ रेट किया सेक्स रेशो किया एज पिरामिड किया और पॉपुलेशन डेंसिटी किया क्या ये पांचों एट्रीब्यूट मन में बस चुके हैं याद हो चुके हैं जब तुम एनसीआरटी पढ़ोगे ना ये सारी बातें लिखी हुई है और ये सारी बातें तुमको एक एक लाइन समझ आ जाएगी ठीक है हीरोगिरी हीरो बेटा काउंट करने में नहीं है हीरो गिरी इसमें ही ये कौन है यार ये जो ओपी शॉर्ट्स रो रहे हैं यहाँ पर कौन से ओपी शॉर्ट्स रो रहे हैं चलो तुम हाइड हो चुके हो बेटा अब किसी को नहीं दिखोगे तुम हां जी ओके चलो यस तो अगला अपना गोल है अपना अगला गोल क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ को कवर करना अच्छा एक बात बताओ एक सच सच बात पूछो बेटा तुमसे सच 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 बात पूछो तुम सबसे तुमने अभी सेशन को लाइक नहीं किया सेशन लाइक करो मैं देख रही हूं जितने बच्चे बैठे हैं उतने लाइक्स होने मस्ट है आज मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला तो किसी बच्चे के माइंड में नहीं आया कि भैया पॉपुलेशन को पॉपुलेशन के सेशन को थोड़ा सा बूस्ट दिया जाए सेशन को लाइक किया जाए ताकि ये दस बच्चों तक और पहुंच पाए करो फिर मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पूछने वाली हूँ जिसमें मुझे सच में आंसर चाहिए तुम्हारा सच में आंसर चाहिए यस कम ऑन फास्टली लाइक द सेशन एंड मेक इट टू द काउंट जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं फटाफट फटाफट से फटाफट से बेटा दिस कॉन्टेंट इज मोर देन इनफ फॉर नीट दिस ये सिर्फ इनफ नहीं है ये मोर देन इनफ है इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है और इससे कम करना नहीं है ठीक है जितना रिक्वायर्ड है पीवाई क्यूज के अकॉर्डिंग और एनसीआर के अकॉर्डिंग हम सब इस क्लास में कर रहे हैं इस क्लास से बेहतर क्लास आपको मिल नहीं सकती है खोज के बता देना जिस क्लास में तुमको एनसीआर इस वे से याद कराई जाए और जितना एक्स्ट्रा भी है वो भी हम क्लास में लिखते हैं उस पर फोकस करते हैं चलो कर दिया लाइक सबने कर दिया लाइक सब ने अब मैं सच वाली बात पूछ लू अब सब बच्चे प्रॉमिस करें अपने दिल पे हाथ रख के कि मैम अब जो हम मैम जो हमसे पूछेंगे हम उसका सच जवाब देंगे मैं तुम्हें तो देख नहीं सकती हूँ बट आई कैन ऑब्जर्व आई कैन फील कि तुम सच बोल रहे हो ठीक है मैं सिर्फ एज्यूम कर सकती हूँ कि तुम सच बोलोगे लेकिन तुम अपने आप से प्रॉमिस करके बताना तुम सच बोल रहे हो सब बच्चे अपने अपने यू you नो know, प्रमिस करें अपने आप से कि जो मैं आप पूछूंगी उसका सच में जवाब देंगे आप किसी को दिखाने के लिए यहां यस नहीं बोलेंगे आप अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए यहां यस yes नहीं बोलेंगे लेकिन सच बोलेंगे यस yes बच्चों सब बच्चे प्रॉमिस करते हैं, सब बच्चे प्रॉमिस करते हैं। yes. यस, आप में से सो द क्वेश्चन इज आप में से कितने बच्चों को लगता है कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं आर यू गिविंग योर बेस्ट मतलब अगर दिन में 24 घंटे है चौबीस में से तुम आठ घंटे सो भी गए तो भी सोलह घंटे सोलह घंटे में से क्या तुम इफेक्टिवली दस घंटे स्टडी कर रहे हो आर यू गिविंग योर बेस्ट आई जस्ट वॉन्ट इन अ पोल मुझे पोल में आंसर दो मुझे ये नो लिखो ही मत ताकि तुम्हें शर्म ना आए यू नो तुमको बड़ी बड़ी दिखाना भी होता है अपने दोस्तों को पोल में आंसर दो आर यू गिविंग योर बेस्ट क्या आप बचे हुए सोने के अलावा वाले घंटों में जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो क्या जितना बलिदान पॉसिबल है उतना आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सच बताना सच किसी को नहीं दिखाना है मुझे भी नहीं दिखाना है अपने आप से पूछ के बताओ कि अगर मेरे पास दस घंटे भी हैं ग्यारह घंटे भी हैं क्या मैं उसमें उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी एक डॉक्टर बनने के लिए चाहिए जितनी बीस लाख में से उस एक लाख बच्चे की क्रीम में आने के लिए चाहिए क्या आप वो चीज कर रहे हैं यस yes. तो फिर किसको धोखा दे रहे हो तो किसको धोखा दे रहे हो बेटा आपने यहां पर 66 बच्चे कह रहे रहे हैं कि हम वो मेहनत नहीं कर रहे तो क्या बिना मेहनत के ये हलवा है है बेटा क्या क्या ये इतनी आसान चीज डॉक्टर बनना इतना ही आसान है तो बेटा आज इतने डॉक्टरों की कमी ना होती इंडिया जैसे देश में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो इतनी है लेकिन हमारे पास लिमिटेड डॉक्टर क्यों है आज इतने लोग अपने ड्रीम्स को शैटर करके कुछ और ना कर रहे होते कितने लोग हैं जो आज बी एस करने के बाद रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने जब मैं ट्वेल्थ में था जब मैं ड्रॉपर था तब मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरा फ्यूचर ही कुछ और होता तुम्हें क्या लगता है यार आसान है ये आसान है हो जाएगा थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे मैम की क्लास लगा लेंगे एक फिजिक्स का टीचर ढूंढ लिया इसकी क्लास लगा ली कभी कभी आए कभी कभी नहीं आए क्या इससे हो जाएगा बेटा क्या इससे हो जाएगा अगर तुम्हें लगता है कि यार ये आसान है तो मैं तुम्हें बता दूं यार अगर तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हारे पूरे दिन में तप नहीं है ना सेक्रीफाइस नहीं है नहीं हो सकता क्या तुम्हें दिन में लगता है रात में चलो दिन में नहीं रात में क्या ये चीज लगती है कि यार आज मैंने ना सब अपनी पसंद की चीजें छोड़कर बलिदान कर, कर आज मैंने उसकी जगह पढ़ाई की आज मैंने अपनी सारी मन लगाने वाली चीजें छोड़कर इंस्टाग्राम छोड़कर अपना टिकटॉक छोड़कर गेमिंग छोड़कर मैंने उस समय में में फिजिक्स फिजिक्स के सवाल निकाले मैंने आज कुछ फिजिक्स का डिफिकल्ट टॉपिक किया क्या तुम्हें रात में सोते वक्त ये लगता है बताओ क्या तुम्हें रात में सोते वक्त ये फीलिंग आती है दैट आई एम सेक्रीफाइजिंग समथिंग कि मैं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं कि मैं कुछ ना कुछ चीज छोड़ रहा हूं क्योंकि अगर तुम तप नहीं करोगे ना अगर तुम जलोगे नहीं उस आग में अगर तुम आउट ऑफ कंफर्ट नहीं जाओगे क्या आज मैंने अपनी नींद को कुर्बान किया क्या आज मैंने अपने इंस्टाग्राम को कुर्बान किया क्या आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात नहीं करी टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए क्या आपने अपनी पसंद वाली चीजों को छोड़ा Is 50 50 परसेंट ने छोड़ा वो तब कर रहे हैं 50 परसेंट ने नहीं छोड़ा उन्होंने अभी बलिदान करना सीखा नहीं है देखो एक बात याद रखना लोहा जब बनता है ना लोहे को बड़ा स्ट्रांग माना जाता है है ना बड़ा स्ट्रांग मेटल माना जाता है आयरन को लोहे को लेकिन लोहे को जब बनाया जाता है तो उसको ना जलाया जाता है है ना तो लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत वो भरता है यानी कि उतना ही वो स्ट्रांग होता है जितना जब वो बन रहा होता है ना बेटा तब उसे जलाया जाता है तो लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत भरता है ठीक है यस सोने को भी आग लगाई जाती है बेटा ग्लो के लिए उसकी शाइनिंग के लिए सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर वो निखरता है ठीक है जी तो मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आज तुम्हें अच्छी लग रही है सोना बहुत ब्राइट लग रहा है लोहा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसको बनाने में बेटा उतनी ही उसको आग लगाई जाती है उतना ही उसे ग्रिल किया जाता है वही है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा अगर आप चमकना चाहते हैं कि मुझे एम्स मिले मुझे मैमसी मिले मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले मुझे जीएमसी मिले मेरे पापा को प्राउड हो मेरे पापा का नाम मेरे नाम से जाना जाए तो यार उतना जलना भी तो पड़ेगा उतना जलना भी तो पड़ेगा ऐसे थोड़ा हो जाएगा इतना आसान होता तो सब डॉक्टर होते इतना आसान होता तो हर घर में बेटा एक एम्स का डॉक्टर बैठा होता लेकिन इतना आसान नहीं है ना इतना आसान नहीं है तो सूरज जैसा बनना है ना तुमको तो सूरज जितना जलना होगा तो रोज रात को सोने से पहले अपने आप से पूछा करो क्या मैंने तप तप किया का मतलब वो नहीं एक्चुअल आग में जाके बैठ जाना है तप का मतलब वो है क्या मैंने सैक्रिफाइस किया क्या मैंने वो चीज करी जिसका पहले मुझे मन नहीं करता था क्या मैंने अपने दोस्त से कम बात करी क्या मैंने अपनी नींद सात घंटे से ज्यादा नहीं रखी क्या मैंने फिजिक्स के सवाल निकाले क्या मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए क्या मैंने प्रैक्टिस करी क्या मैंने क्लास लगाई क्या मैंने उसको रिवाइज किया अगर इन सब का आंसर नो है तो तुम तप नहीं कर रहे हो तुम बेटा झूठ बोल रहे हो अपने आप से ठीक है यस yes, तब तुम बेटा तप नहीं कर रहे हो राइट right? तो वही मैंने तुम्हें बोला कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी है ना आसान तो नहीं होगा आसान किसने कहा है डॉक्टर वेरी वेरी निभाना टफ है जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना बनने के बाद बेटा और ज्यादा टफ आती है जब आप एमबीबीएस करते हैं एमडी करते हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा वक्त ज्यादा लग सकता है हो सकता है तुम ड्रॉपर हो हो सकता है तुम्हें दूसरा साल है हो सकता है तुम्हें तीसरा साल है तुम्हें वक्त ज्यादा लगा है लेकिन अगर तुमने संघर्ष किया है तो संघर्ष जरूर सफल होगा हर एक संकट का हल होगा बेटा हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा तो इस चीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखो कि हर चीज हर संकट का तुम्हें हल मिल सकता है आज नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, नहीं कल मिलेगा बट संघर्ष जरूर सफल होगा तो संघर्ष करते रहो तप करते रहो सैक्रिफाइस करते रहो ताकि तुम्हें कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को आने वाली लग्जरीस लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े यस बच्चों यस तो पढ़ाई तो करनी है लेकिन सही दिशा में करनी है दिशा जब तुम्हें ठीक मिल जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली बेटा तुम्हारी जो एनर्जी तुम डाल रहे हो उसका आउटपुट आने लगेगा जो एनर्जी डाल रहे हो बेटा उसका आउटपुट आने लगेगा ठीक है तो आज से रात में सब बच्चे सोचेंगे कि आज मैंने क्या किया क्या संघर्ष किया क्या तप किया या नहीं किया यस एवरी वन हैज टू थिंक अनलेस एंड अनिल यू रियलाइज बस कर रहे हैं तब तक बेटा वो बात नहीं आएगी आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार क्या मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं तो कब करूंगा टाइम निकल रहा है एक एक दिन निकल रहा है वो एक एक दिन बेटा मैटर करता है तुम्हारी इस लाइफ में यस yes, बेटा वो एक, -एक दिन मैटर करता है तो आज से सब बच्चे अगर कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर रहे थे तो आज से आपको ये चीज करनी शुरू करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि यार एम्स चाहिए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं यस तो सूरज जैसा बनना है तो सूरत जितना जलना होगा छोड़ो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गेमिंग इंस्टाग्राम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वन साइडेड लव ये जो भी चीजें बेटा इस समय तुम्हारे पर हावी हैं तुमको उसको हावी होने नहीं देना है तुम उस पर हावी पड़ जाओगे भैया सब कुछ सोचेंगे लेकिन तीन महीने बाद सोचेंगे अभी अगर तुम्हें कोई भी चीज अगर बांध के रखी है गांठ बांध के रखी है तुम्हें निकलने नहीं दे रही है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो भैया वो तुम्हें चीज आगे कभी ग्रो नहीं करने देगी और मैं बता रही हूं बेटा बता रही हूं। एक औदा होता है एक डॉक्टर का एक रुतबा होता है डॉक्टर का आज जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना कल को जब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ना वो पर्सन वो 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 लड़की या वो लड़का वो तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिकली खींचे जाएंगे यू विल बिकम अ मैग्नेट बेटा एंड मैग्नेट अट्रैक्ट एवरी वन यू विल बिकम हनी बेटा हनी विल अट्रैक्ट ऑल द मधुमक्खी लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो तुम पीछे भाग रहे हो तुम क्यों पीछे भाग रहे हो बेटा तुम में भागना ही है ना तुम अपने करियर के पीछे भागो करियर के पीछे भागो छोड़ो वो चीज जो तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करने से रोकती है या पॉज लगाओ अगर वो इतनी चीज अच्छी है तो उस पर पॉज लगाइए एक ब्रेक लगाइए ब्रेक लगाने का रिजल्ट देखिए उसके बाद आप देखना कि वो चीज सही थी रियल थी ट्रस्टवर्दी थी या फिर नहीं थी सेल्फिश हो अपने लिए काम करो ठीक है ये सब दोस्ती रिश्तेदारी ये सब बन जाएगी कॉलेज में बनती है बेटा कॉलेज में होता है ये सब अभी करोगे तो अभी बेटा तुम्हारा टाइम का लॉस हो रहा है टाइम के साथ साथ तुम्हारे करियर का लॉस हो रहा है पूरी लाइफ बेटा तुम एक मधुमक्खी बनते बनते बन के रह जाओगे तुम्हें शहद बनना है पीपल शुड कम टू यू यू शुड नॉट कम टू देम यू शुड नॉट गो आफ्टर दैम यू शुड नॉट रन आफ्टर देम ठीक है तो मैग्नेट बनिए शहद बनिए उसके लिए आप में कुछ बात होनी चाहिए और वो बात तब आएगी जब आप नीट क्रैक करेंगे वो बात आप में भी आएगी और वो बात आपकी फैमिली में भी आ जाएगी ठीक है तो आपकी फैमिली की किस्मत आपकी किस्मत आप लिख सकते हैं खुद आने वाले तीन महीनों में तीन महीने बेटा लग के मेहनत कर लो तीन महीने अपना बेस्ट दे डालो यार क्यों नहीं होगा बिल्कुल होगा आप जैसे ऑर्डनरी बच्चे ही निकालते हैं

वो स्मार्ट बंदा नीट क्रैक करता है जीनियस पीपल डू नॉट क्रैक इट जीनियस पीपल तो बेटा कहीं और निकल जाते हैं यहां पे अगर आप स्मार्टनेस ले आएंगे ना इन तीन महीनों में स्मार्टनेस मतलब बिल्कुल क्रिस्प कॉन्टेंट लेंगे क्वेश्चन खूब सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट खूब देंगे ऑटोमेटिकली बेटा आपका नीट क्रैक होने से कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि नीट एक टफ एग्जाम है ही नहीं नीट को टफ बनाया गया है क्यों क्योंकि रेशो कम है सिलेक्शन का ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बताऊं अठारह लाख बच्चे पेपर देंगे उसमें से सीरियस तो पांच लाख ,00 ही है बाकी तो पंद्रह लाख नॉक नॉक गाइज है आए गए आए गए उन वो तो सीरियस नहीं थे तो अगर तुम तो उस पांच लाख में भी सीरियस हो जाओ तो पांच लाख में से क्या एक लाख में नहीं आ सकते आ सकते बिल्कुल आ सकते कोई भी कैटेगरी हो जनरल है एस सी है एस टी है आप ये मत सोचिए बस मेहनत कीजिए मैं वही कह रही हूं संघर्ष सफल होगा आज नहीं तो कल होगा राइट yes. right, बच्चों बिल्कुल नो मैटर वॉट हमने गिव अप करना ही नहीं है हमने अप करना ही नहीं है बिल्कुल <coughs> चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन तो चलो मैंने तुमसे पूछा एक और क्वेश्चन पूछ लू उसका भी ससच आंसर देंगे एक और क्वेश्चन पूछ लू बेटा उसका ससच आंसर देंगे बताओ जरा एक और क्वेश्चन पूछूंगी वो किसी को दिखाने के लिए मत बोलना उसका भी सच आंसर देंगे सब बच्चे यस yes. आप में से आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दिया है जिन्होंने नहीं दिया है वो यस yes पे क्लिक करेंगे जिन्होंने अब मतलब मैं हाल ही में अभी एक महीने तक की बात पूछ रही हूं जिन्होंने दिया है वो नो no क्लिक करेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दिया है फुल सिलेबस मॉक नहीं दिया है 85 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 91 वन परसेंट गॉड द पोल हैज पोल्टी परसेंट अप्रोक्सीमेटली बच्चे ऐसे एटी फोर हो चुका है अब ये मतलब सिर्फ 15 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फुल मॉक देने शुरू कर रहे हैं 85 परसेंट तकरीबन ऐसे जिन्होंने अभी फुल मॉक नहीं दिया है बेटा कब कब कौन सा मुहूर्त निकलेगा किस दिन तुम देना शुरू करोगे किसका इंतजार कर रहे हो कि सिलेबस खत्म होगा सिलेबस बेटा मई तक भी खत्म नहीं होगा ये मैं आपको बता रही हूं आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि सिलेबस छ मई तक भी खत्म नहीं होगा तो डू नॉट पोस्टपोन इट एनी फर्दर आप इसको आगे मत लेकर जाइए आपके लिए मैंने वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट खुद टाइम लगाकर मुझे बेटा मुझे छह सात महीने लग गए इस मॉक टेस्ट सीरीज को निकालने में ठीक है वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो ठीक है इस बुक के अंदर तुमको प्रॉपर नीट पैटर्न में ऐसा मॉक टेस्ट मिलता है ये देखो जैसे नीट का पेपर आता है ये एक पेपर है इस पेपर में जैसे पेपर आता है जैसे पहले फिजिक्स होती है फिर केमिस्ट्री होती है फिर बायो होती है फिर बेटा ऐसे रफ पेज होता है 200 क्वेश्चन के हिसाब से नीट के नए पैटर्न के हिसाब से बेटा मॉक टेस्ट बनाए हैं अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं देना शुरू करा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इसमें हर मॉक टेस्ट के साथ बेटा मैं आपको एक ओ एम आर शीट भी दे रही हूँ किस दस मॉक टेस्ट के सेट है और बीस का भी आप जो लेना चाहे ले सकते हैं एक पेपर साथ में OMR। फिर एक पेपर OMR। अगर आपने देना नहीं शुरू किया दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर खुद मेरी गाइडेंस के अंडर बेटा ये पेपर बने अगर आप लेना चाहें तो इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे मैं आज भी दे दूंगी पहले भी दिया था बेस्ट मॉक टेस्ट है नहीं दे रहे हो तो दो दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन नहीं दोगे तो तुम पीछे रह जाओगे क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट तब तक नहीं आता जब तक आप गोले भरना नहीं सीखते हो बबल जब तक नहीं भरोगे बेटा तब तक वहां टाइम वेस्ट करोगे टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम लगता है इसमें गलती होती है का आंसर में लिखाते हैं टू का वन में लिखाते हैं क्रॉस लगा रहे हैं ये सब चीजों को ठीक करने के लिए बेटा आपको इस तरीके के पेपर देने बहुत जरूरी है ऑफलाइन पेपर देने बहुत जरूरी है एंड वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बेटा मैं आपको दे रही हूँ लिंक मैं डाल रही हूँ जस्ट नाउ राइट नाउ आई एम पुटिंग लिंक इन माई टेलीग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सी पाजा बाइडोजी के नाम से ठीक है सीप पाउजा बायोलॉजी एक लाख तीस हजार से ऊपर वाले बच्चे अभी की अभी आपको लिंक वहां मिल जाएगा जो खरीद सकते हैं वो जरूर खरीदें इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू इन्वेस्ट ठीक है क्योंकि मैंने खुद ये पेपर बनाए हैं इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है 200 200 नंबर के 20 टेस्ट हैं 20 के 20 टेस्ट आपको अराउंड 999 तक के मिल रहे हैं एंड इट इज नंबर वन बेस्ट सेलर इन एमेजॉन नंबर वन बेस्ट सेलर है बेटो बेटा है ना और अभी इसको रिलीज हुए एक ही हफ्ता हुआ और एक हफ्ते में नंबर वन होगी बिकॉज स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट अलॉट अगर आप खरीदते हैं तो यार इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है आई एल रीटैग यू ठीक है चलो एनीवे anyway, तो मॉक टेस्ट जो लोग नहीं दे रहे हैं ये सत्तर बच्चे देना शुरू करें देना शुरू करें यूनिट वाइज भी मिलेंगे यस अगर आप वन वन टू ट्वेंटी का बंडल लेते हैं उसमें दस सौ uh, बीस पेपर आपके फुल सिलेबस है और चार पेपर यूनिट टेस्ट है यानी कि चौबीस पेपर का आपको बंडल मिलता है ट्वेंटी फोर पेपर का बंडल मिलता है ट्वेंटी प्लस फोर ले लो ट्वेंटी फुल सिलेबस है और फोर पार्ट सिलेबस हो जाएंगे ठीक है ये बुक बेटा मैंने लिखी है एजुकार्ट इज अ पब्लिक ये बुक मैंने खुद लिखी है बायो का सारा कंटेंट बेटा मैंने लिखा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर से प्रॉपर रिव्यूड बुक है नए पैटर्न के हिसाब से आप ले सकते हैं ठीक है 24 पेपर मिल रहे हैं 20 फुल सिलेबस चार यूनिट वाइज और प्रॉपर शेड्यूल भी बनाया हुआ है ओएमआर भी मिल रही है ठीक है लिंक आपको टेलीग्राम पे अभी के अभी मिल जाएगा चलिए बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ कब पे जाए 999 है बेटा प्राइस अब मेरे ख्याल से अभी 15% ऑफ भी चल रहा है आप amazon पे जाके चेक करें लिंक पे जाके चेक करें यस ओके <स्थ> 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 चलो आ जाओ स्टार्टिंग विद पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करें तो यार चार फैक्टर्स हैं हाँ पहला, पहला हैटालिटी नेटालिटी क्या होता है बर्थ रेट नेटालिटी क्या होता है बच्चों रेट दूसरा क्या है आपका मोर्टालिटी 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 मैंने आपको बताया मृत्यु दर दैट इज डेथ रेट ठीक है तीसरा होता है एक पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग बाहर से नए आए यानी कि इमिग्रेशन इमिग्रेशन का मतलब होता है कितनों ने एंट्री एंट्री ली entry. जैसे कैनेडा में बड़े पंजाबी एंट्री लेते हैं तो जो एंट्री होती उसको है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन देन एक पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग वहां से एग्जिट मारे छोड़ के चले गए यानी कि कितने लोगों ने एग्जिट मारा दैट इज एमिग्रेशन तो ई फॉर एग्जिट ई फॉर एमिग्रेशन देन एंट्री के लिए अपने लोग यूज करते हैं इमिग्रेशन अब एक बहुत बढ़िया चार्ट दिया हुआ है आपकी एनसीआरटी में मैं बनाती हूं ये देख लें अगर मैं सेंटर में लिख दू पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी यस पॉपुलेशन डेंसिटी तो यार पॉपुलेशन डेंसिटी में एडिशन कौन करेगा कौन करेगा इन चारों में से एड कौन करेगा पॉपुलेशन को बढ़ाएगा कौन एक तो यार अगर उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और एक बेटा अगर इमिग्रेशन एंट्री ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी यानी कि पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक तो मेरे पास है नेटालिटी यानी कि बर्थ बर्थ जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और अगर किसी पॉपुलेशन में बाहर से नए लोग एंट्री मारेंगे एंट्री मारने का मतलब है इमिग्रेट करेंगे इमिग्रेशन करेंगे तो भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ेगी पॉजिटिव पॉपुलेशन अपनी कम कब होगी कम कब होगी बेटा पॉपुलेशन कम कब होगी हो एक तो अगर मृत्यु होगी इस पॉपुलेशन में कोई मर जाएगा यानी कि ड्यू टू मोर्टैलिटी ड्यू टू मोर्टैलिटी यहां पर क्या साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा और अगर उस पॉपुलेशन को छोड़ के कुछ लोग चले गए एग्जिट मार लिया तो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो गई कम हो गई दैट इज इमिग्रेशन इमिग्रेशन भी क्या करेगा आपका नेगेटिव करेगा माइनस हो जाएगा तो पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए दो चीजें हैं हैं बर्थ रेट वेल इमिग्रेशन को कम कैसे करते कैसे करते होती है अगर किसी की मृत्यु हो जाए यानी या कि ले दैट इज गोइंग टू बी एमिग्रेशन मतलब अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है इक्वेशन लिखनी है कि कितनी पॉपुलेशन थी प्लस प्लस बेटा आपका क्या रहेगा कि कितना बर्थ हुआ और कितना इमिग्रेशन हुआ माइनस कितना डेथ हुआ और कितना एमिग्रेशन हुआ दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन यानी कि अगर इस समय में मान लू कि टाइम टी प्लस वन है तो टी पे कितनी पॉपुलेशन थी प्लस उसमें कितना बर्थ और इमिग्रेशन हुआ माइनस कर दो कितने लोग मरे और कितने लोग एग्जिट कर दिए ठीक है एग्जिट कर दिए अब मैं तुमको तीन केसेस देने वाली हूं नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू थ्री केसेस आर यू रेडी टू स्टडी थ्री केसेस पहला केस ये है अगर अगर बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज मोर देन डेथ प्लस एमिग्रेशन समझो कि जितने लोग पैदा हुए हैं और नए एंट्री मारे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितने लोग छोड़ के चले गए और मर गए इस केस में पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव है या क्या है तीन केसेस दे रही हूं आपको मुझे आंसर बताना है पॉपुलेशन ग्रोथ का एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है और आपको मुझे आंसर बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है पहले का आंसर मैं आपको बता देती हूं अगर बेटा बर्थ और इमिग्रेशन ज्यादा है तो उस केस में पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव है या नेगेटिव बताओ फटाफट से लोगों का ज्यादा जन्म हो रहा है इमिग्रेशन ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ इस समय कैसी रहेगी पॉजिटिव भैया पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी तुम बोलोगे डेंसिटी इस समय क्या हो जाएगी पॉपुलेशन की बढ़ जाएगी क्योंकि लोग ज्यादा जन्म ले रहे हैं ज्यादा बाहर से पॉपुलेशन में एंट्री हो रही है चलो केस नंबर टू केस नंबर टू मेरे पास है अगर जितना बर्थ प्लस इमीग्रेशन हुआ वो बराबर है किसके डेथ प्लस के अगर वो बराबर है तो उस केस में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो जाएगी और डेंसिटी कैसी हो जाएगी बताओ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो जाएगी अगर बेटा जितनों का जन्म हुआ और जितने नए आए उतने ही मर गए या उतने ही बाहर चले गए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी जीरो कुछ फर्क नहीं पड़ा जितने पहले थे उतने उतने ही अभी है। क्योंकि जितने आए उतने चले गए और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी है ना सेम रहेगी नेक्स्ट नेक्स्ट केस आता है अगर जितनों का बर्थ हुआ और इमिग्रेशन हुआ दैट इज लेस देन डेथ प्लस इमिग्रेशन ये तीसरा केस है उस केस में कि जितने लोग नए आए उससे ज्यादा तो मर गए उससे ज्यादा तो बाहर चले गए यानी कि इस केस में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो क्या है नेगेटिव है कम हो रही है डेंसिटी भी क्या हो रही है कम हो रही है ठीक है तो इन तीन केसेस में आपको क्वेश्चन आ सकता है अब दो लाइनें एनसीईआरटी में बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं ये कहती हैं कि अगर कोई एक ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर पहले से लोग बसे हुए हैं कोई ऐसी पॉपुलेशन है जहां से पहले से कॉलोनाइजेशन हो चुकी है मतलब लाजपत नगर है दिल्ली का मान लो लाजपत नगर है वहां पर पहले से पूरा भर चुका है सोसाइटी पूरी फुल है वहां पर अब नए लोग नहीं आते हैं जनरली तो वहां पर इन चार में से दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं दो फैक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जो बसा हुआ इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट बर्थ रेट और डेथ रेट का ही आता है वहां इमिग्रेशन और एमिग्रेशन रोल इतना प्ले नहीं करते क्योंकि वो बस चुका एरिया वहां पर अब और जगह नहीं है किसी के आने की ठीक है बसा हुआ इलाका है वहीं पर अगर कोई ऐसा इलाका है जिस पे अभी कॉलोनाइजेशन इज गोइंग ऑन यानी कि वहां पर बसावट हो रही है नया इलाका बन रहा है जैसे कि अगर एनसीआर में देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वो इलाके भी बस रहे हैं वहां पर जगह है वहां पर लोग आ रहे हैं इमिग्रेट कर रहे हैं तो उस जगह पर जो इलाका अभी बस रहा है उस जगह पर बेटा बर्थ रेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इमिग्रेशन हेयर इमिग्रेशन एज मोर इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट देन बर्थ रेट ये दो लाइने बेटा आपकी एनसीआरटी में ना यहां लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने तुम्हें बता दिया आ, 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 आ। yes there are two lines कहीं तो लिखी हुई है yes ये रही बेटा ये रही वो दो लाइनें यस इफ द हैबिटेट इज जस्ट बीइंग बींगनाइज अगर वो बस रहा है तो इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू द पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट तो ये लाइंस बेटा मैंने यहां से पिक करी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बसे हुए एरिया में बर्थ रेट और डेथ रेट इंपॉर्टेंट है इमिग्रेशन इतना नहीं है लेकिन जो बस रहा है जिसमें अभी बसावट आ रही है वहां पर इमिग्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मोर इंपॉर्टेंट देन द बर्थ रेट ओके जी ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज आती है बेटा आपके ग्रोथ मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ मॉडल्स ठीक है शुरू करते हैं बेटा ग्रोथ मॉडल्स इट right? दो तरीके के ग्रोथ मॉडल पढ़ाऊंगी एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है बेटा आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बहुत अच्छे से बेटा आने वाले पंद्रह मिनट मैं बता रही हूं ग्रोथ मॉडल में बच्चे रट्टे मारते हुए नजर आते हैं लेकिन इससे अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गया है मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी किस टाइप के आ रहे हैं अब सिंपल सवाल नहीं आएगा कि इक्वेशन बता दो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जिसको समझ आता है ग्रोथ मॉडल वही वाला बच्चा उसको सॉल्व कर पाएगा तो अगले पंद्रह बीस मिनट बहुत फोकस से आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहला ग्रोथ मॉडल जो हम कर करने वाले हैं। हैं yes, कौन सा है? है? है. है? इस को अपने लोग बोलते है, geometric growth. ये कैसी growth है? Geometric growth है. ठीक मॉडल है? या फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ ये ग्रोथ कहती ये वाला मॉडल कहता है आपको एज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये कहता है कि resources जो हैं अपने पास अनलिमिटेड हैं. अपने पास रिसोर्सेज क्या है अनलिमिटेड है जबकि ऐसा होता नहीं है जनरली आर ऑलवेज लिमिटेड बट आपको इस ग्रोथ को को समझने के लिए मॉडल को समझने के लिए मान लेना है कि रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है हवा पानी ये सब बहुत ज्यादा है लाइट जगह कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान बहुत ज्यादा है अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो हर आदमी कोशिश करेगा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करने के लिए है ना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन शो करने के लिए डार्विन ने क्या बोला था डार्विन ने बोला था कि जो आदमी नेचर सिलेक्ट करेगी वो फिट कहलाएगा और वो फिटनेस फिटनेस किस हिसाब से आएगी रिप्रोडक्टिव यानी कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो हर आदमी अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस तक पहुंच सकेगा सिंपल भाषा में बोलूंगी अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो हर आदमी में जितनी क्षमता है ना बच्चे पैदा करने की वो उतने ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो उतनी रिप्रोडक्टिव

ठीक है है इसके दूसरे नाम है, फिकान्डिटी रेट या फिर इसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी बोल सकते हैं है. 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 इसका मतलब है कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो हर ऑर्गेनिज्म की कोशिश होती है मैं बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे प्रोड्यूस कर पाऊं यानी कि मैं अपनी आर वैल्यू तक पहुंच पाऊं हर हर ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट हो प्लांट हो एनिमल हो हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपनी मैक्सिमम आर वैल्यू को अचीव कर पाऊं लेकिन नेचर उसे ऐसा करने नहीं देती है क्या नेचर तुम्हें मैक्सिमम बच्चे प्रोड्यूस करने देती है नहीं ना क्लाइमेट का फैक्टर आ जाता है कंपटीशन आ जाता है प्रेडेशन आ जाता है कि भैया अब चाहती है काउ चाहती है कि मेरे मैक्सिमम कैटल हो पाए मैक्सिमम बच्चे हो पाए बट क्या उसे वुल्फ ऐसा करने देगा नहीं करने देगा वुल्फ चाहता है कि मैं अपने मैक्सिमम बच्चे प्रोड्यूस कर पाऊं बट क्या उसे नेचर करने देगी उसको टाइगर आके खा लेगा यानी कि प्रोडेशन है कॉम्पिटिशन है क्लाइमेटिक इफेक्ट है कई बार कलैमिटी आ जाती है जो एक आदमी को एक ऑर्गेनिज्म को अपनी आर वैल्यू को अचीव नहीं करने देती है लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है कई बारी बेटा ये आर वैल्यू अचीव हो भी जाती है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं बारिश आती है रेनी सीजन आता है तो किसके मजे हो जाते हैं किसके मजे हो जाते हैं बारिश आती है तो मच्छरों के मजे ही मजे हो जाते हैं इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो बेटा बारिश में बहुत ही कम समय के लिए अपना आर वैल्यू अचीव कर लेते हैं वो इतने बच्चे पैदा करते हैं इतने बच्चे पैदा करते हैं कि वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाते हैं यानी कि ब्रीफ पीरियड के लिए ही इन लोगों ने अपना आर वैल्यू मैक्सिमम पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अचीव कर लिया एक और एग्जाम्पल बताऊ पॉल्यूटेड वॉटर पॉल्यूटेड वॉटर पॉल्यूटेड वॉटर में ब्लू ग्रीन एल्गी इतना ग्रो करती है कि वहां पर पूरी हरी चादर बिछा देगी एल्गल ब्लूम हो जाएगा क्यों क्योंकि इस समय इन दोनों के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए बारिश आ गई बेटा इंसेक्ट मच्छरों की तो चांदी हो गई ठीक है इतने रिसोर्सेज हो गए इतने रिसोर्सेज इन्होंने अपनी आर वैल्यू तक पहुंच गए आपकी पोल्यूटेड वाटर बॉडी आ गई बीजीए की चांदी इतना खाना मिला इतना खाना मिला कि मल्टीप्लाई 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 करके पूरा ब्लूम बना दिया पूरा हरी चादर बिछा दी आपके पानी की बॉडी के ऊपर तो यार कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इनको कुछ समय के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिल गए तो इन्होंने अपनी आर वैल्यू को इन्होंने अपने बायोटिक पोटेंशियल को इन्होंने मैक्सिमम बच्चे प्रोड्यूस करने की क्षमता को अचीव कर लिया लेकिन ब्रीफ पीरियड के लिए ही किया ये है अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिपिक्ट uh, करने के लिए वी हैव टू इक्वेशंस इस आर को बेटा मैं यूज करूंगी आगे यस दो तो इक्वेशन है जो अपने को एज इट इज याद करनी है एज इट इज याद करनी है एक है डिफरेंशियल इक्वेशन एक है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है बेटा इंटीग्रल इक्वेशन ये तो बेटा, as it is, अपने को याद करनी है डी इज डेथ रेट एन इज इनिशियल पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन और बेटा ये बी माइनस डी पता है आर होता है ये बायोटिक पोटेंशियल को ही डिफाइन करने के लिए हम बी माइनस डी यूज़ करते हैं, यानी कि की क्या होता है? अब इसी चीज़ को अगर मुझे इंटीग्रल भाषा में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी एन पॉपुलेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियलेशन ई टू दावर आर टी टू दावर आर टी ये क्या है एन टी पॉपुलेशन एटी ये क्या है इनिशियल पॉपुलेशन ये क्या है इनिशियल पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन एन टी इज पॉपुलेशन एट टाइम टी टी इज दे बेटा टाइम आर क्या है आपका ग्रोथ रेट है आर इज ग्रोथ रेट ओके बच्चों ओके okay, यस yes. तो इस एक्सपोनेंशियल कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन ये अपने को एज इट इज याद रखनी है

फिर उसने बोला कि मैंने आर की वैल्यू काउंट की नॉर्वे रैट की नॉर्वे रैट की तो अपने को पता चला कि नॉर्वे रैट की आर की वैल्यू कितनी है जीरो वन है फिर उसने बोला कि मैंने कितनीट की वैल्यू कैलकुलेट की फ्लोर बीटल्स की फ्लोर बीटल्स, बीटल बीटल यानी कि इंसेक्ट इनकी जब अपने ने काउंट की तो पॉइंट वन टू आई ध्यान देने वाली बात यह है ध्यान देने वाली बात यह है बेटा ध्यान देना कि ह्यूमन का देखा तो भी पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स रैट का देखा तो पॉइंट जीरो वन फाइव लेकिन जब बीटल का देख रहे हो तो पॉइंट जीरो नहीं है पॉइंट वन है यानी कि ये जो इंसेक्ट होते हैं ना ये जल्दी अपनी आर वैल्यू तक पहुंचते हैं ये जल्दी अपने पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं मतलब इनका रिप्रोडक्शन रेट बड़ा हाई है इनको थोड़े बहुत रिसोर्सेस भी दे दोगे खूब बच्चे पैदा करेंगे इतने बच्चे पैदा करेंगे कि इनकी आर वैल्यू काफी ज्यादा निकल जाएगी ठीक है बीटल यानी कि इंसेक्ट का हाई है पॉइंट नहीं है पॉइंट पे आ गए पॉइंट वन पे आ गए देन आते हैं देन आते हैं इसके ग्राफ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या ग्राफ है बड़ा अमेजिंग ग्राफ है बेटा ग्राफ में से पक्का सवाल आएगा आपको पक्के से पक्का सवाल आएगा तो यहाँ फोकस करना किस शेप का ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस शेप का ग्राफ बनेगा तो तुम बोलोगे ग्राफ की शेप पता है क्या आएगी ग्राफ की शेप आएगी जे शेप्ड ग्राफ यस एस शेप्ड नहीं है कैसी शेप है जे शेप्ड ग्राफ ठीक है इस जे शेप्ड ग्राफ में मुझे दो फेजेस दिखाई दे रहे हैं पहला फेज ये वाला मुझे दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज ए लैग फेज देन बेटा ये दूसरा फेज दिखाई दिया दिस इज कॉल्ड एज ए लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज ये कहता है कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो पहले तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है लैग फेज धीरे धीरे हो रही है लेकिन जब रिसोर्सेज की भरमार हो गई खत्म ही नहीं हो रहे हैं तो यार वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं ग्रोथ होती जा होती जा रही रही होती कोई स्टेशनरी स्टेशनरी फेज फेज नहीं नहीं है रुक ही रहा नो एट ऑल क्योंकि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड दे आर नॉट गेटिंग ओवर दे आर नॉट गेटिंग ओवर तो यार, यार ये ग्रोथ होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी बट बट रियल सिचुएशन में रियल सिचुएशन में एक समय तो ऐसा आएगा रिसोर्स खत्म हो गया जैसे कि अगर मैं बात करूं इधर ये एग्जाम्पल में इंसेक्ट के लिए कभी तो बारिश का ऋतु खत्म होगा है ना ये जो वर्षा ऋतु है वो खत्म होगी रेनी सीजन खत्म होएगा तब क्या होगा इंसेक्ट गायब आज के समय ठंड में कोई मच्छर दिख रहा है जब लू डलती है कोई मच्छर दिखता है नहीं यानी कि इनका जब सीजन आता है जब इनके रिसोर्सेज होते तब तो ये है दौड़ते हैं दौड़ते हैं लेकिन जैसे ही इनका सीजन खत्म बारिश खत्म तो यार क्रैश कर जाएंगे क्रैश हो जाएगा बिल्कुल जीरो क्रैश हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। okay, आता phase, कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है पूरा साल नहीं फिर वो फिर जीरो हो जाते हैं क्रैश हो जाते हैं मास डेथ हो जाते सब मर जाते हैं सारे मच्छर मर जाते हैं एक्सट्रीम ठंड में और एक्सट्रीम गर्मी में ठीक है अब जो स्पीशीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं जैसे कि हमने इंसेक्ट देखा जैसे कि बेटा हमने बीटल्स देखे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं उन स्पीशीज को अपने लोग बोलते हैं आर स्पीशीज इन स्पीशीज को बेटा जी क्या बोलते हैं आर स्पीशीज ठीक है द स्पीशीज विच शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ठीक है उनको अपने लोग बोलते हैं आर स्पीशी क्या आर स्पीशी किसी पॉपुलेशन में डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं डोमिनेट करें नहीं बेटा दे कैन नेवर एवर बी डोमिनेंट वाई बिकॉज बेटा डोमिनेंट होने के लिए ना हर समय होना जरूरी होता है एक स्टेबिलिटी आनी जरूरी होती है लेकिन ये तो कुछ समय के लिए अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करते हैं ये बेटा आर स्पीशी जो होते हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं दे कैन नेवर बी डोमिनेंट इन पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन में कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका समय लिमिटेड पीरियड के लिए आता है थोड़ी देर के लिए तो बेचारों को अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिले हैं इस से, इस वजह वजह से से बेटा ये कभी डोमिनेंट स्पीशी नहीं हो सकते हैं डोमिनेंट स्पीशी नहीं हो सकते हैं तो ये बात हो गई आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल सबको समझ आया फर्स्ट मॉडल एक्सपोनेंशियल दूसरा नाम क्या है जियोमेट्रिक रिसोर्सेज क्या है अनलिमिटेड क्या ये रियलिस्टिक है क्या ये रियलिस्टिक है क्या सच में ऐसा होता है इट इज नॉट रियलिस्टिक ये एक रियलिस्टिक मॉडल नहीं है क्योंकि अगर होता है तो बहुत कम समय के लिए होता है वैसे तो होता ही नहीं है ठीक है जी तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना था वैल्यू कि मैक्सिमम मैक्सिमम कितने बच्चे कर सकते हो बायोटिक रिप्रोड्यूस करने का पोटेंशियल कितना है एग्जाम्पल हमने देख ली हमने इक्वेशन देख ली इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में एंड देन बेटा हमने इसका ग्राफ जे शेप्ड ग्राफ देख लिया अब मूव करते हैं बेटा अगले पे नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बड़ा मजा आएगा बेटा तुम्हें पढ़ने में मेरे से लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ये बहुत टिपिकल कर देते हैं कुछ टीचर कुछ टीचर तो इसको बस दिखाएंगे इक्वेशन याद कर लेना और चल देना ऐसा नहीं करना आपको इस इक्वेशन को समझना है आपको इस ग्राफ को समझना है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आएगा रट्टाफिकेशन पे नीट बिलीव नहीं करता है बायो रट्टा नहीं है आप अगर इसको समझेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ठीक है अरे हरे कांग यस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ही क्या बोलते हैं पॉल इक्वेशन वो मैं बाद में लिखवाऊंगी अब ये जो बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये ऐसा मॉडल है जो कहता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है हवा पानी रोटी कपड़ा मकान सब लिमिटेड है लिमिटेड रिसोर्सेज है अब असली में तो ऐसे ही होता है ना लिमिटेड रिसोर्सेज है ऐसा तो है नहीं कि बहुत जगह है? ऐसा तो है नहीं कि बेटा सब लोग बायोटिक पोटेंशियल अपनी आर वैल्यू तक अचीव कर रहे हैं सब लोग नहीं कर रहे सोचो अगर सब लोग अपनी आर वैल्यू पर अचीव कर रहे होते सब इतने बच्चे पैदा कर रहे होते तो आज धरती का विनाश हो जाता धरती पे तो इतनी जगह ही नहीं है बेटा एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है तो यार ये मैं बोलूंगी कि ये वाला जो मॉडल है ये मोर रियलिस्टिक मॉडल है ये रियलिस्टिक है है ना वो वाला रियलिस्टिक नहीं था असली में तो ऐसा ही होता है ठीक है कंपटीशन होता है असली में बेटा लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं अब इस मॉडल को समझने के लिए आपको एक चीज को समझना है दैट इज के वहां पर आर आया था यहां पर के है के होती है कैरिंग कैपेसिटी। के क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी? यानी कि यह बताता है कि एक इकोसिस्टम में कितनी क्षमता है वो कितने लोगों को पाल सकता है यानी कि कैरिंग कैपेसिटी होता है इट डिपेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम नंबर जुअल एन इको सिस्टम कैन सपोर्ट एन इको सिस्टम कैन सपोर्ट जैसे कि मैं मान लू कि मेरी क्लास में बैठने के लिए सिर्फ दस बेंचेस हैं हर बेंच पे तीन बच्चे बैठ सकते हैं यानी कि मेरी क्लास की कैरिंग कैपेसिटी तीस है है ना मेरी क्लास की कैरिंग कैपेसिटी कितना है तीस है क्योंकि मेरे पास दस बेंच है और एक बेंच पे तीन बच्चा बैठ सकता है ठीक है कैरिंग कैपेसिटी मेरी क्या है तीस है यानी कि एक ईको में कितने लोगों को पालने की क्षमता है उसको अपने लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी का मान लो मान लो अब तुम्हें तीन केस दूंगी, तीन केस केस दूंगी दूंगी मान लो एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी है है हजार ठीक एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी हजार हजार बंदों को ये पाल सकता है इस इकोसिस्टम में इतनी ही क्षमता है अब यार यहां पर तीन केस हो सकते हैं ध्यान देना बेटा अब यहां पर तीन केस हो सकते हैं या तो जो पॉपुलेशन है इस समय वो कैरिंग कैपेसिटी से कम है एन इज पॉपुलेशन एन क्या है पॉपुलेशन साइज पहला केस हो सकता है कि जितनी अभी इस समय है है, वो कैरिंग कैपेसिटी से कम यानी कि अभी 500 लोग ही हैं लेकिन जगह हजार की है दूसरा केस हो सकता है कि एन इज इक्वल टू के कि मेरे पास जगह भी हजार है और हजार बंदे बैठे भी हैं, ठीक है चीक्या? तीसरा केस क्या हो सकता है एन इज मोर देन के मतलब मेरे पास जगह तो थी हजार की लेकिन अभी एक हजार दो सौ लोग बारह सौ लोग के खड़े हैं बारह सौ लोग के खड़े हैं तो पहले केस में जब कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है और पॉपुलेशन का साइज अभी कम है तो क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ हो सकता है विल द पॉपुलेशन ग्रोथ बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव बताइए विल द पॉपुलेशन ग्रोथ बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव बताइए कमान वेल द पॉपुलेशन ग्रोथ भी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव यह कहना चाह रहे हैं कि जगह मेरे पास हजार की है कैरिंग कैपेसिटी मेरी हजार है मैक्सिमम में हजार को बिठा सकता हूं लेकिन अभी बैठे हैं पांच सौ अभी बैठे हैं पाँच सौ क्योंकि एन इज लेस देन के मतलब अभी कम बंदे बैठे हैं और मेरे पास कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है यानी कि इस केस में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वो कैसी ग्रोथ होगी पॉजिटिव होगी मानते हो, हो, हो कि नहीं मानते हो ग्रोथ पॉजिटिव होगी ठीक है सेकेंड केस है कि मेरे पास कैरिंग कैपेसिटी हजार है और अभी हजार बंदे बैठ गए हजार बंदे बैठ गए मैं एक भी बंदे को और नहीं बिठा सकती हूँ यानी कि इस समय जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वो क्या होगी जीरो और बंदे नहीं बैठ सकते हैं हाँ जी तीसरा केस देखो मेरे पास जगह तो थी हज़ार की लेकिन अभी 1200 बंदे खड़े हैं मेरे पास 1200 बंदे खड़े हैं यानी कि अब मारकाट शुरू हो जाएगी अब लड़ाई शुरू हो जाएगी लड़ाई होती है जब क्लास में सीट नहीं मिलती तो एक दूसरे को धक्का नहीं मार रहे होते चल तू हट तू हट तू वीक वीक वाला बंदा बाहर और वाला बंदा अंदर यानी कि कि इस समय क्या हुआ कि पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी नेगेटिव क्योंकि अब कुछ बंदों को बाहर निकलना पड़ेगा लड़ाई होगी कॉम्पिटिशन होगा कॉम्पिटिशन होगा तो कोई ना कोई तो हारेगा है ना तो पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी बारह से गिर फिर हम किस पे आ जाएंगे हजार पर आ जाएंगे क्योंकि एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन होगा ये क्वेश्चन क्वेश्चन नीट में आ चुका है यह क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि capacity, कितनी ग्रोथ तो यह चीज आपको समझना बहुत जरूरी है ठीक है जैसे तुम्हारे वाले केस में क्या हो रहा है नीट के केस में क्या हो रहा है? बीस लाख लोग हैं लेकिन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है कैरिंग कैपेसिटी कितनी है मेडिकल कॉलेजेस की एक लाख यानी कि मेरे पास एक लाख सीटें है? पॉपुलेशन डेंसिटी अपनी बीस लाख ,00 चल रही है तो क्या हो रहा है मारकाट ही हो रही है कॉम्पिटिशन ही हो रहा है लड़ाई हो रही है लड़ाई हो रही है इसमें कुछ लोग जीतेंगे और कुछ लोग कम होंगे बीस लाख डिक्रीज होके पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होके डेंसिटी डिक्रीज हो, ,00 decrease हो, decrease हो, density decrease हो कितनी बच जाएगी एक लाख ,00 ही बचे तो ये केस बेटा अपना नीट में चल रहा है एनटीए यही वाला केस खिला रहा है तुमको यही केस खिला रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी एक लाख है लेकिन डेंसिटी अभी पेपर कितने दे रहे हैं बीस लाख लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं तो बीस लाख में से एक लाख कंपटीशन तो होगा मार्काट होगी स्ट्रगल होगा जो स्ट्रगल करेगा जो इस लड़ाई के लिए तैयार होगा युद्ध के लिए तैयार होगा तो सबको साइड करके अपनी सीट बना लेगा ठीक है सबको साइड करके अपनी सीट बना लेगा चलो एक चीज इस मॉडल को समझने से पहले मुझे बताना था कैरिंग कैपेसिटी दूसरा बताना बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ठीक है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है ये वो फैक्टर्स हैं आपके इकोसिस्टम में जो एक बंदे को आर वैल्यू अचीव करने के लिए रोकते हैं आर वैल्यू क्या थी बायोटिक पोटेंशियल कि मैं मैक्सिमम कितना रिप्रोड्यूस कर सकता हूं लेकिन बेटा आपके इकोसिस्टम में लाइट लिमिटेड है फूड लिमिटेड है एयर लिमिटेड है पानी लिमिटेड है कंपटीशन है प्रडेशन है ये सारी चीजें रोकती हैं आपको कि आप अपनी आर वैल्यू तक मत मत पहुंच पाए क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो रोक रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज तुमको रोक रहे हैं तो जो फैक्टर्स रोकते हैं ना टू अचीव बायोटिक पोटेंशियल उसको अपने लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है रोकना रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है रोकना यानी कि फैक्टर्स विच स्टॉप विथ स्टॉप एन ऑर्गेनिज्म फैक्टर्स विद स्टॉप एंड ऑर्गेनिज्मीव आर वैल्यू ठीक है जो फैक्टर्स रोकते हैं बड़े सारे फैक्टर रोकते हैं वैसे इसका फॉर्मुला होता है के माइनस एन अपॉन के वेयर केरिंग कैपेसिटी एन इज पॉपुलेशन साइज के मैंने बता दिया है पिछले पेज पे कैरिंग कैपैसिटी एंड एन इज पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन साइज भैया कौन से फैक्टर रोकते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस रोक रही है किस टाइप के फैक्टर्स रोक रहे हैं तो भैया ये बायोटिक भी हो सकते हैं, ए बायोटिक, भी हो सकते हैं है ना? ए बायोटिक कौन से फैक्टर रोकेंगे यस तुम्हें कौन रोकेगा रिसोर्सेज रोकेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज रोकेंगे तो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं लाइट रोकेगा टेम्परेचर लिमिटेड है वो रोकेगा पानी लिमिटेड है वो रोकेगा कॉम्पिटिशन तुमको रोकेगा आर वैल्यू अचीव करने के लिए ना? चल रही है बहुत रोकेगा, हो सकता तुम्हें आके खा जाए रोकेगा, रोकेगा ठीक है तो जो चीजें आपकी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ठीक है जी ओके चलो अब इस ग्रोथ की लॉजिस्टिक ग्रोथ की हम लिख लेते हैं इक्वेशंस ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ठीक है जी ओके दो तरीके के इक्वेशन बताऊंगी एक है डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरे क्या है इंटीग्रल इक्वेशन अगेन जैसे हमने पहले वहां किया था वैसे ही हम कर रहे हैं डिफरेंशियल एंड बच्चों इंटीग्रल इक्वेशन क्या ये समझ आया समझ आया कि नहीं आया बताओ मैं बहुत सिंपल में, में कोशिश कर रही हूं कि आपको के आर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये सब चीजें समझ आए क्योंकि रट्टा मारना आसान है लेकिन समझ के करोगे तो चीजें और आसान और फ्लोई और बढ़िया तरीके से लगेंगी और हर क्वेश्चन को तुम समझ पाओगे ठीक है समझ पाओगे फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार लाइक कम हो रहे हैं मैं देख रही हूं कम ऑन जो बच्चे नए आए हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दो इसका ग्रोथ कब आने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी बड़ी सिंपल है

K, N upon K into T. Simple. आपको बस बीच में में घुसानी है क्योंकि पहले तो तो थी नहीं नहीं तो कोई रोक ही नहीं रहा था थे पर, यहां, पर यह रोकने है। है यह यहां रोकने के लिए आ गया है 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 ना ये रोकने के लिए आ गया तो ये मल्टीप्लाई करते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ सिंपल ठीक है राइट right? सिंपल अब आगे देखिए इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ तो रीड करना भी आ जाता है इसका अगर मैं ग्राफ देखूं यस yes. इसका अगर बेटा जी ग्राफ देखेंगे तो मेरे पास जो कर्व बनता है उसकी शेप कैसी रहती है दैट इज एक्चुअली एस शेप्ड कर्व देख रहे हो एस शेप्ड ग्राफ बन रहा है जिसमें तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिख लो मेरे ख्याल से पहले लिखना भूल गई थी यहां पर टाइम ले रहे हैं यहां पर पॉपुलेशन साइज ले रहे हैं पिछले वाले पे भी लिख देती हूँ टाइम एंड पॉपुलेशन साइज पिछला वाला कहा है ये रहा यस yes. यहां पर टाइम लिया है यहां पर पॉपुलेशन साइज लिया है ओके okay. हाँ जी अब अपने पास क्या है Resources जो है वो लिमिटेड तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला जो फेज आएगा सबसे पहला बेटा ध्यान देना ये देखो मैंने बड़ा कर दिया सबसे पहला ये जो छोटा सा फेज आ रहा है दिस फेज इज कॉल्ड एज लॉग लैग फेज ठीक है अभी जस्ट शुरुआत हुई है अभी इतना धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे अभी शुरुआत है अभी इतना रिसोर्स यूज नहीं कर पाए दैट इज लैग फेज फिर बेटा इनको अचानक से भर के रिसोर्स मिला इन्होंने मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेट किया ठीक है स्पीड बढ़ा दी तो ये जो फेज आया है ये वाला दिस इज कॉल्ड एज लॉग फेज इसको क्या बोलते हैं लॉग फेज या फिर इसको क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन फेज या फिर इसको क्या बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल अभी यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है एक्सपोनेंशियल फेज लेकिन बेटा यहां पर रेजिस्टेंस है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है जो इसको बढ़ने से नहीं रोक बढ़ने से रोकेगी आगे नहीं जाने देगी देखो अगर तो ये आगे जा रहा होता तो ये ऐसे हो जाता जे शेप हो जाता है ना जे शेप हो जाता लेकिन नहीं रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं, लिमिटेड है तो यानी कि यहां पर अब एक ऐसा फेज आएगा कि अब ये आगे नहीं जा पाएगा अब इसको यहां पर स्टेशनरी होना पड़ेगा ठीक है ये जो छोटा सा फेज आया है ये जो बेटा छोटा सा फेज आया है जिसमें ऊपर जाने की जगह ऊपर जाने की जगह ये इधर मुड़ गए हैं दिस दिस स्मॉल फेज 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 इज कॉल्ड एज ठीक है, है? यानी कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही है वो उल्टे जा रहे हैं कम हो रहा है डिसलेशन फेज या फिर मैं इसको बोलूंगी डेक्लाइनिंग फेज ठीक है ये जो छोटा सा फेज है डेक्लाइनिंग फेज और फिर बेटा फिर बेटा ऊपर ना जाने की जगह डिक्लाइन होने के बाद अब ये कांस्टेंट हो रहे हैं अब तुम टाइम कितना भी बढ़ा लो अब तुम टाइम कितना ही बढ़ा लो बेटा अब पॉपुलेशन ना बढ़ने की रिसोर्सेस खत्म हो गए अब उतनी रहेगी खत्म हो गए ठीक है तो ये जो फेज आ रहा है दिस फेज दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज कि अब जो पॉपुलेशन है वो स्टेशनरी हो चुकी है स्टेशनरी फेज कोई बोलते हैं एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट ठीक है बच्चों ठीक है बच्चो? तो वहां पर जे शेप वाले में दो ही फेजेस थे लैग फेज लॉन्ग फेज बस बात खत्म बाद में क्रैश एंडिंग ठीक है उनका हवाई जहाज उड़ा और हवाई जहाज सीधा क्रैश कर गया यहां पर क्या है कि हवाई जहाज उड़ा उड़ के ऊपर भी पहुंचा और फिर स्टेबल तरीके से चलता जा रहा है ठीक है तो लैग फेज के अपने टेक ऑफ कर रहे हैं लॉग फेज स्पीड पकड़ रहे हैं और एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं दैट इज स्टेशनरी फेज यानी कि जब पॉपुलेशन ऐसे ग्रो कर रही है बेटा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसा है, मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूं ये पॉइंट ऐसा है कि हम अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन पे पहुंच चुके हैं येस और नो ये देखो इस पॉइंट पे देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन है क्योंकि इसके बाद तो बढ़ नहीं रही है, तो है यानी कि ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं बेटा इस पॉइंट को यस yes. इस पॉइंट को अगर मैं यहां भी एक्सटेंड करूं इधर टाइम आ जाएगा इधर बेटा मैं एक्सटेंड करूं यानी कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज का है है कि नहीं क्योंकि इससे ज्यादा तो अपने नहीं बढ़ रहे हैं इसके बाद अपने क्या हो रहे हैं कांस्टेंट हो रहे हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एट दिस टाइम मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज का क्या मतलब है इसका मतलब है कि इस समय मेरा जो एन है वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर है कि भैया मेरी क्लास में तीन सौ बच्चे के बैठने की सीट थी तो अब तीन सौ ही है तीन सौ से ज्यादा एक बच्चा नहीं बैठ सकता है ना मैक्सिमम साइज आपका यहां पर अचीव हो चुका है मतलब स्टेशनरी फेज पे इस समय क्लास में कितना बच्चा बैठा है तीन सौ बच्चे की सीट है यहां पर भी क्लास में कितना बच्चा बैठा है तीन सौ बच्चा ही बैठा है मतलब हम अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंच के रुक गए हैं एन इज इक्वल टू के पर आकर रुक गए हैं ठीक है तो स्टेशनरी फेज पे भी एन इज इक्वल टू के क्या ये बात समझ आई क्या ये बात समझ आई यस n is equal to k वाली ये नीट में आ चुका है बेटा कि स्टेशनरी फेज पे n की वैल्यू मोर देन k होती है इक्वल टू k होती है या लेस देन k होती है ठीक है स्टेशनरी पे आने का मतलब है अब तुम मैक्सिमम पहुंच चुके हो इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ोगे जितना तुम्हारी कैरिंग तो कैपेसिटी थी उतना पहुंच चुके हो यानी कि यहां पर आकर n is equal to k ठीक है यस yes? कितने बच्चों ने ये चीज जिनको ये ग्राफ ये क्वेश्चन आज पहली बारी समझ आई पहली दिल से समझ आई बेटा कितने बच्चों को ये क्वेश्चन और ये ग्राफ पहली बारी दिल से समझ आया बताओ दिल से समझ आया क्योंकि बेटा इस तरीके से तुम्हें कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं कि क्या हो रहा है कब एन के बराबर है कब एन के से कम है यस सिक्सटी सेवन ओ ओ माई गॉड नाइनटी सेवन परसेंट 97 बच्चे ऐसे हैं हुरस्टैंडिंग इट फुली फॉर द फर्स्ट टाइम हर क्लास में बेटा कल पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की क्लास है चार नंबर का क्वेश्चन उसमें से आना ही आना है और कल जो मैं इंटरैक्शन समझाऊंगी वैसे इंट्रैक्शन मुझे लगता है मैंने भी पहले नहीं बताई है जो मैं कल बताने वाली हूँ चार नंबर पक्के करने हैं तो कल की एक घंटे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा क्योंकि कल पॉपुलेशन इंटरक्शन इसका आखिरी पार्ट है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है तभी मैं इसको आज नहीं करा रही। कराने को मैं करा के निकल जाती जल्दी चैप्टर हो रहा है नहीं मुझे वैल्यू पे काम करना है मुझे क्वांटिटी पे काम नहीं करना है ठीक है मुझे क्वालिटी चाहिए मुझे हर क्लास से एक क्वेश्चन निकालना है अगर बेटा इस तरीके से 200 क्लास में से 200 क्वेश्चन मेरे बच्चों के सही हो जाए वही मेरा करेक्ट वही मेरा बेटा रियल अचीवमेंट है और कुछ नहीं है ठीक है और कुछ नहीं है आज जैसे तुम्हें बढ़िया ग्रोथ कब समझ आए एक, -एक चीज समझ आई ठीक है क्लास में लर्न हुई मतलब समझ पाए तुम इन सब का वैसा ही बेटा कल होगा वैसा ही कल होगा खैर अभी खत्म नहीं हुआ अब यार <coughs> हर आदमी क्या चाहता है डार्विन के अकॉर्डिंग तुम्हें डार्विन फिटनेस के अकॉर्डिंग हर आदमी क्या चाहता है हर आदमी चाहता है एवरी वन वॉन्ट्स एवरी वन वॉन्ट्स टू अचीव अचीव देयर आर वैल्यू है ना दारविन के अकॉर्डिंग हर आदमी चाहता है कि मैं मैक्सिमम बच्चे पैदा करू कोशिश है यार सबकी खैर तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा है बट एवरी वन वॉन्ट्स नेचर में टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स एंड टू रीच देयर बायटेक पोटेंशियल टू रीच देयर आर वैल्यू इसके लिए बेटा हर आदमी ने ना अपने अपने तरीके अपनाए हैं कि मैं पता है ऐसे अपना आर वैल्यू अचीव करूंगा मैं पता है ऐसे स्ट्रैटेजी जैसे नीट को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी है ना बेटा आर वैल्यू तक पहुंचने की भी मैक्सिमम बच्चे पैदा करने की भी एक स्ट्रैटेजी है यस yes. मैक्सिमम बच्चे पैदा करने की भी एक स्ट्रैटेजी है तो तुमको मैंने स्ट्रैटेजी बताती हूं किसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है टू अचीव आर वैल्यू टू अचीव आर वैल्यू ठीक है ये स्ट्रैटेजी याद रखनी है काम आएंगी बेटा टू अचीव आर वैल्यू पहली स्ट्रैटेजी है ब्रीडिंग हैबिट को लेकर पहली स्ट्रैटेजी क्या है ब्रीडिंग हैबिट को लेकर ये कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो पता क्या प्लान बनाते हैं वो प्लान बनाते हैं मैं एक ही बारी जिंदगी में ब्रीडिंग करूंगा और इतने बच्चे पैदा कर कर दूंगा दूंगा इतने बच्चे पैदा कि आप सबको पीछे छोड़ दूंगा यानी कि, कि कुछ लोगों ने कुछ ऑर्गेनिज्म ने ऐसा प्लान बनाया कि जिंदगी में ना एक ही बारी ब्रीड करते हैं ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम कि अपने लाइफ में एक बारी करते हैं काम लेकिन अमेजिंग काम करते हैं एक ही बारी में मैक्सिमम बच्चे ले आएंगे ठीक है मैक्सिमम बच्चे उतार देंगे ऐसा कौन करता है पैसिफिक सैलमन फिश पैसिफिक सैलमन फिश ऐसा करता है और बैम्बू बैम्बू तो बेटा आपको पता ही है कि लाइफ में उसमें फ्लावर्स एक ही बारी आते हैं और वो कितना ग्रो कर जाता है ठीक है इन्होंने अपना ये तरीका अपनाया कि लाइफ में एक ही बारी ब्रीडिंग करते हैं और खूब बच्चे पैदा करेंगे एक ही बारी में कर देंगे दोबारा दोबारा नहीं करना ठीक है अब कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है ये गलत तरीका है ये गलत है अपने क्या करते हैं बारी बारी ब्रीड करते हैं उससे बच्चे ज्यादा होंगे ब्रीड मेनी टाइम्स तो कुछ ने स्ट्रेटेजी बनाया कि यार बारी बारी ब्रीडिंग करते हैं उससे बच्चे ज्यादा होंगे अपने जल्दी अपनी आर वैल्यू तक पहुंचेंगे जैसे कि हम लोग We don't breed once in lifetime, huh? We breed multiple times. Here the example is going to be birds, mammals. इनका तरीका क्या है कि भैया एक बारी नहीं बारी बारी करके ही मामला सेट होगा बारी बारी करके ही हम आर वैल्यू तक पहुंच पाएंगे ठीक है आर वैल्यू तक पहुंच पाएंगे चलो एक तो प्लान ये था दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है दूसरा स्ट्रैटेजी है यहां पर कि कुछ ने सोचा अगले पेज पर पे लिखती हूँ कुछ ने सोचा कि यार बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं नंबर एंड साइज पे बात आ रही है साइज ऑफ ऑफ स्प्रिंग ध्यान देना कुछ ऑर्गेनिज्म ने सोचा पता है क्या करते हैं अपने लोग ना छोटे छोटे बच्चे बनाएंगे लेकिन ज्यादा बनाएंगे ठीक है तो इसने तरीका निकाला कि प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग बच्चे, बच्चे ज्यादा बनाओ लेकिन उनको ना साइज कम कर दो ठीक है स्मॉलर साइज के स्मॉलर साइज के ठीक है ये तरीका निकाला किसने ऑयस्टर ने ऑयस्टर ने पिलाजिक फिश ने पिलाजिक फिश ने इसने बोला कि ज्यादा बच्चे बनाते लेकिन छोटे छोटे साइज के बनाएंगे दूसरे ने क्या बोला दूसरे ने क्या बोला दूसरे ने बोला कि भैया ऐसे नहीं काम चलेगा ये गलत है इनका एफर्ट बड़ा बेकार जा रहा है क्योंकि ज्यादा बच्चे कर रहे हैं हम ऐसा करते हैं अब ना कम बच्चे बनाते हैं लेकिन बड़े साइज के बनाते हैं ठीक है स्मॉल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग स्मॉल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग लेकिन बड़े साइज के बनाएंगे लार्ज साइज लार्जर साइज के ऐसा कौन कर रहा है ऐसा अपन लोग कर रहे हैं ऐसा हम लोग ने इंडिया ह्यूमंस ने दिमाग लगाया मैमल्स ने दिमाग लगाया बर्ड्स ने निकाया हम लोग ज्यादा बच्चे थोड़ा करते हैं है ना हमारे थोड़ा फिशेस के सौ सौ दो सौ बच्चे पैदा हो रहे हैं नहीं कम हो रहे हैं लेकिन फिश से कितने बड़े हो रहे हैं ठीक है मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो ऐसा करते हैं ठीक है जी अब क्या सही है क्या गलत है ये किसी को नहीं पता हर आदमी अपना तरीका निकाल रहा है हर ऑर्गेनिज्म अपना तरीका निकाल रहा है कि कम बच्चे करें छोटे साइज के कर लेते हैं ज्यादा बच्चे करें

ज्यादा फेवरेबल तुम खुद बताओ कौन सी है ज्यादा फेवरेबल कौन सी है आर सिलेक्शन फेवरेबल है या के सिलेक्शन फेवरेबल है यस yes. आर सिलेक्शन फेवरेबल है या फिर के सिलेक्शन फेवरेबल है भैया ज्यादा फेवरेबल ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं है ठीक है मोर फेवरेबल वाले कि कम करो लेकिन बढ़िया करो वही बात है तुम्हारे में कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो अच्छी जगह से पढ़ो कंसंट्रेशन से पढ़ो दस की जगह पांच घंटे पढ़ो लेकिन कंसंट्रेशन से पढ़ो सो दिस वन इज मोर फेवरेबल दिस वन इज मोर फेवरेबल ठीक है बच्चों तो ये कुछ तरीके थे ये कुछ तरीके थे कि किन तरीकों से आप अपनी आर वैल्यू को अचीव कर सकते हो तरीके दो बने आपको बताए समझ आ गए पहला तरीका कि कितन जिंदगी में कितनी बारी ब्रीडिंग करनी है एक बारी करके सारा काम कर देना है या फिर मल्टीपल टाइम्स करनी है दूसरा तरीका है कि यार बच्चे तो बनाने हैं लेकिन छोटे बनाएं और ज्यादा बनाएं या फिर कम बनाएं और बड़े बड़े बनाएं तो यार ये जो केस सिलेक्शन है ये ज्यादा फेवरेबल है ठीक है बच्चों सो विद दिस वी आर डन विद ग्रोथ कर्व्स आज का सेशन मजा आया कि नहीं आया बताओ मुझे तो आज सबसे ज्यादा पढ़ाने में मजा आया क्योंकि आज टिपिकल सेशन था और मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे आसान वे में बेहतरीन वे में बताऊं जिससे तुम्हारा एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्लियर हो देखो मैंने आज तुम्हें क्या क्या कराया ये करा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ठीक है ये इक्वेशन भी समझा दी क्या है ये ग्रोथ का कर्व भी तुम्हें समझा दिया वेरी इंपॉर्टेंट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ये ई e की वैल्यू देख लेना बेटा यहाँ से ओके नेक्स्ट हमने ये भी कर लिया लॉजिस्टिक ग्रोथ भी हम कर चुके हैं कैरिंग कैपेसिटी मैंने तुम्हें बताई और ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है ये जो भी बताया ना डार्विन वाला ये लाइफ वेरिएशन है कि कौन क्या तरीका निकाल रहा है ये देखो पैसिफिक फिश और बैंबू ने क्या किया और फिश क्या कर रही है है ना कौन क्या कर रहा है के सिलेक्शन आर सिलेक्शन यानी कि ये सारी बातें कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक कैसे पहुंचे वो हमें समझ आ रहा है ये जो वन परसेंट बच्चा रह गया है ये जो वन परसेंट बच्चा कह रहा है कि हमें नहीं आया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस सेशन को दोबारा देखें मैंने इसमें स्पीड नहीं रखी है ज्यादा मैंने सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करी है और मेरे हर लेक्चर में मेरी यही कोशिश होती है कि हर उस बच्चे को भी समझ आए जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है या गलत जगह से पढ़ लिया है जिसको क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एनसीआरटी क्लैरिटी के लिए और यहीं पर लर्न करके जाने के लिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे से अच्छी क्लास तो मैं मिल नहीं सकती और ये मैं चैलेंज कर सकती हूँ बिकॉज बेटा आई गिव माई हंड्रेड परसेंट बिफोर कमिंग टू दिस सेशन मैं वो नहीं हूँ कि मुझे दस साल का एक्सपीरियंस है चलो जी उठ के आ गए नहीं जितना समय बेटा मैं क्लास लेने में लगाती हूँ उससे उतना ही या उससे ज्यादा समय मैं उसकी प्रिपरेशन में लगाती हूँ बिकॉज आई मेक श्योर वट एवर अगर मैं एक वर्ड भी यहाँ लिख रही हूं तो बहुत सोच के लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए ये समय कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है तुम्हारे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे पता है चाहे तुम फ्री में पढ़ रहे हो बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है मेरी अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी है मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है तो मेरे इस क्लास से पिछले साल भी सबसे ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन हुआ था यहां से यूट्यूब से यूट्यूब से बेटा किसी का पूछ लेना इतना सिलेक्शन हुआ है जितना यूट्यूब से मैंने सिलेक्शन दिया था और इस बार मैं अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हूं तो मैं उतनी ज्यादा मेहनत करके आती हूँ उतनी मेहनत से बेटा ये जो मैंने आपके साथ बुक बनाई है ये पेपर्स बनाए हैं वो बनाए हैं उतनी ही मेहनत से बेटा आपको मैं सेशन की थ्योरी लिखवाती हूँ क्वेश्चन तुम हर मॉक टेस्ट का कहीं जाके दे दो यार मॉक टेस्ट वो तुम कर पाओ ठीक है तो जितनी मेहनत टीचर कर रही है उतनी मेहनत आपको भी करनी है और कल का सेशन तो भूल कर भी मिस नहीं करना है यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट जैसे आपने आज ग्रोथ कर्व सीखे वैसे आप कल नए तरीके से पॉपुलेशन इंटरेक्शन सीखेंगे और एक क्वेश्चन 2022 में भी आया था 2021 में भी आया था बीस में भी आया था और तेईस में भी आएगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन से तो कल चार नंबर का क्वेश्चन आना है और आपको ये क्लास लगानी है अगर आप जीतना चाहते हैं बाकी लिंक टू माई स्पेशल क्लास विच विल हैपन एट फाइट टुडे इज गिवन ओवर हेयर ठीक है यहाँ पर आपका दिया हुआ है सब बच्चे आके जरूर अटेंड करें ठीक है जी चलो एवरी वन टेक केयर बाय बाय अच्छा रुक जो, रुक जो, रुक जाओ 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 अभी नहीं जाना अभी नहीं जाना हाँ एक और चीज बेटा आपको बतानी थी कि यार एक टेस्ट सीरीज आई है <coughs> ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है जो मैंने आपको बताई वो ऑफलाइन थी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है बेटा 999 में है इसमें क्या दिया हुआ है टोटल टेस्ट है छह सिलेबस टेस्ट और सात पार्ट सिलेबस टेस्ट है इसमें इस इस बाकी बेटा रिकॉर्डेड बैचेस हैं आप उनमें एनरोल कर सकते हैं या फिर आप मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हैं आपको कहीं जाने की दिल्ली कोटा जाने की कहीं अब जरूरत नहीं है क्योंकि बेस्ट लेक्चर तो इसी सेशन में इसी चैनल पर हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो द बेस्ट ऑन दिसनल तो मेक श्योर दैट इट एंड एनसीआर आप हिस्सा ले सकते हैं कोड क्या लगाइए हर जगह सीपलाइव मेरा क्रैश कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है अगर आप अभी भी मन बना रहे हैं तो यू कैन स्टिल इन रोल अभी एक दो चैप्टर ही हुए उसके लिए भी आपको मेरे ख्याल से अभी टेन परसेंट ऑफ है एंड अराउंड फोर्टी फाइव हंड्रेड का आपको वो मिल जाएगा कोड क्या लगाना है सीपलाइव ठीक है अभी मैं आपको पी दे देती हूँ एंड आई एल सी यू इन द इवनिंग बाय बाय एवरी टेक केयर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो एंड एक कॉमेंट जरूर छोड़ के जाएगा रे यार आई रियली मिस योर कॉमेंट्स कल वाले में कम थे हम कल वाले में कम थे आज वाले में कमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए भरपूर कमेंट करना एंड मुझे बताना ग्रोथ कर्व आज से पहले ऐसे समझ आए या नहीं आए और आज कैसा लगा ठीक है जी चलो बाय बाय एवरीवन टेक केयर